यार तो दिखाई नहीं दे रहा है ऑल राइट सो गुड इवनिंग आईस तो कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग मस्त चलिए हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है बाइबैक चल रहा है बायबैक चल रहा है संडे छुट्टी क्या दे दी मतलब मतलब तुम ऐसे सोचोगे इतना आराम हो गया क्या बाय बाय हमारा कंप्लीट हो चुका है ई e सॉप आज हमें कंप्लीट करना है हमारा ई e शॉप आज मैक्सिमम लेवल पर कंप्लीट हो जाएगा ऑल राइट right? अच्छा आप दोनों फर्स्ट क्लास है हाँ पर मेरी बुक्स मुझे दिख रही हैं तो मतलब पहले से ही स्टूडेंट हो कि अभी फर्स्ट पहली बार एडवांस अकाउंट्स कर रहे हो हाँ? मतलब अच्छा नहीं मुझे एडवांस अकाउंट्स की बुक दिख गई मुझे लगा शायद ऑलरेडी अच्छा तो ये पुरानी बुक क्यों मिली आपको अच्छा वही ओके ठीक है अपन बाद में बात करते हैं उसके लिए क्लास के बाद आप मुझे पूछ लेना ठीक है आप देखो बेटा बीच में आए हो चैप्टर के तो जरूरी नहीं कि चैप्टर समझ में आए जरूरी छोड़ो आपको समझ में ही नहीं आएगा मतलब आज का दिन बस ऐसे ही टाइम पास बैठो टाइम पास मतलब जितना समझ में आए तो ठीक है एंड बीच में होगा तो फिर वो यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं वहां से कवर अप कर सकते हो हमारा ईसॉप का चैप्टर चल रहा था सबसे पहले मुझे ये बताइए कि होमवर्क के क्या पोजिशन है हा होमवर्क हो गया मुझे बताओ कौन कौन से होमवर्क क्वेश्चन थे होमवर्क क्वेश्चन हाँ कौन कौन से थे नाइन डन वेरी गुड टेन इलेवन ट्वेल्व तूने होमवर्क नहीं किया <laughs> क्या एजेंट <agent> है क्या <laughs> अच्छा नहीं आपने तो बोला उसने नहीं किया होमवर्कू टू तू, 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 तू। हा चार क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे बायबैक का कोई होमवर्क पेंडिंग है क्या बायबैक की कोई चीज पेंडिंग जो आपको पूछनी हो नहीं अच्छा अभी मैं क्लास लेने से पहले नीचे में ऑफिस में था और अपूर्व मैम से बात हो रही थी आपकी टेस्ट सीरीज की प्लानिंग चल रही थी तो अपकमिंग वन वीक में मैं आपको टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल दे दूंगा कि आपका फर्स्ट टेस्ट मैं कब कंडक्ट करने वाला हूँ पहला टेस्ट कब कंडक्ट करने वाला हूँ ठीक है ना तो टेस्ट सीरीज पे ही काम चल रहा है और प्रोबेबली कल परसों तक हम उसकी प्लानिंग करके पेपर बना देंगे चलिए तो मुझे लगता है हमें आगे डिस्कस करना चाहिए राइट हमें आगे डिस्कशन करना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बात कर चुके हैं ठीक है तो यस yes. अगर हम क्लास प्रैक्टिस की बात करें कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कर लिए कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए वन टू थ्री वन टू थ्री हो चुका है आइए क्वेश्चन नंबर फोर पे करते हैं और इसको एग्जाम टिक कर लो किसी भी क्वेश्चन के साइड में अगर मैं लिख दू एग्जाम इसका क्या मीनिंग निकलता है इसका मीनिंग ये निकलता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम टाइम में जब आप उलझते हैं कि सर कौन से क्वेश्चंस करके जाएं सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए बता दीजिए तो आपके पास आपकी बुक में पहले से ही वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बने रहते हैं आपको पता रहता है कि रिवीजन के टाइम पे मुझे डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए ठीक है तो साइड में एग्जाम लिख लो क्वेश्चन के साइड में एग्जाम लिख लो क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर ऑल राइट हमारे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी साथ में हैं तो अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं मैं आपके भी कमेंट साथ साथ देखते जाऊंगा क्वेश्चन नंबर फोर चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स हंड्रेड ऑप्शन थाउजेंड इंप्लॉइज ईच ऑफ इट्स वन थाउजेंड इंप्लॉइज हंड्रेड ऑप्शन दे रहा है अच्छा ऑप्शन मतलब शेयर्स ऑप्शन माने शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स वन थाउजेंड इंप्लॉइज ऑन फर्स्ट अप्रैल एट फर्स्ट अप्रैल एट फर्स्ट अप्रैल एट को क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे ग्रांट डेट ट्वेंटी रुपीज ईच ट्वेंटी रुपीज ईच ट्वेंटी रुपीज, रुपीज क्या है एक्सरसाइज प्राइस मार्केट वैल्यू बींग फिफ्टी तो इंट्रेंसिक वैल्यू कितना आ गया थर्टी रुपीज पचास रुपए में से ट्वेंटी रुपीज माइनस किया इंट्रेंसिक वैल्यू आ गया थर्टी रुपीज ऑप्शन पढ़ो ये क्वेश्चन बाकी सभी क्वेश्चन से डिफरेंट है हम एक लेवल ऊपर आ चुके अब हमारा बेसिक का क्लास खत्म हो चुका है ईसॉप e का तो ये क्वेश्चन हमारे बाकी सभी क्वेश्चन से डिफरेंट है आज जितने भी क्वेश्चन होने सभी लेवल वाले क्वेश्चन होने पॉइंट नंबर यहां से स्टार्ट जो लिखा हुआ है ऑप्शन विल वेस्ट वहां से पढ़ना शुरू करिए ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इफ द अर्निंग्स ऑफ चॉइस लिमिटेड इंक्रीजेस बाय सिक्सटीन परसेंट भाई साहब इसने क्या कह दिया इसने कह दिया वेस्टिंग कंडीशन की बात चल रही है वेस्टिंग कंडीशन हमने पढ़ा था ना क्या होता है जिन कंडीशंस के बेसिस पर हम आपको शेयर इशू करेंगे ये कह रहा है कि अगर कंपनी की अर्निंग एक साल बाद 16 परसेंट टच कर गई 16 परसेंट से इंक्रीज हो गई आज जितनी भी है एक साल बाद कंपनी की अर्निंग सिक्सटीन से अगर इंक्रीज कर जाए तो आपको हम एक साल बाद ही शेयर दे देंगे मतलब वन ईयर के अंदर अंदर हम आपको शेयर दे देंगे अगर कंपनी की अर्निंग सिक्सटीन परसेंट से इंक्रीज हो जाए तो सर नहीं हुई तो आगे पढ़िए नहीं हुई तो आगे पढ़िए 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 सबको पढ़ना है अपने अपने मन में जल्दी नहीं हुई तो क्या अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड ईयर तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक मिलके इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इफ द एवरेज अर्निंग्स ऑफ द एवरेज अर्निंग्स ऑफ टू ईय इंक्रीजेस बाय पहला कंडीशन फुलफिल नहीं भी हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं पहला दूसरा मिलाकर उसका एवरेज निकालकर अगर तेरह परसेंट इंक्रीज होता है तो हम आपको सेकेंड ईयर के एंड में शेयर दे देंगे समझ आ रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन को पढ़कर एक नई बात ये क्रिएट हो रही है न्यू वाली बात ये क्रिएट हो रही है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें वेस्टिंग पीरियड फिक्स था, था कि नहीं डिवाइडेड बाय थ्री हर साल जब भी एक्सपेंस निकालते थे डिवाइड बाय थ्री डिवाइड बाई थ्री याद रहा है कि नहीं आ रहा है वेस्टिंग पीरियड फिक्स था मतलब फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकालेंगे तो भी डिवाइड बाय थ्री करेंगे सेकंड ईयर का एक्सपेंस निकालेंगे तो भी डिवाइड बाय थ्री करेंगे थर्ड ईयर का एक्सपेंस निकालेंगे तो भी डिवाइड बाय थ्री करेंगे बट तो इस क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है वेस्टिंग पीरियड वेरिएबल है क्या है वेरिएबल कोई बात नहीं वेरिएबल है तो हम क्या लेंगे हम लेंगे एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड इस बार हम क्या लेंगे एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे बात करेंगे कि ऑन एन हमारा क्या एस्टिमेट है क्या लगता है एक ही साल में हो जाएगा कि दो साल में होगा कि तीन साल में मैं बताऊंगा कैसे करते ठीक है अच्छा सेकेंड कंडीशन तेरह परसेंट वाली अगर सॉल्व नहीं हुई तो फुलफिल नहीं हुई तो क्या करेंगे थर्ड वाले में आओ लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ द एवरेज अर्निंग्स ऑफ थ्री इयर्स विल इंक्रीजेस बाय अच्छा ये एवरेज क्या है पहले साल का अर्निंग प्लस दूसरे साल का अर्निंग प्लस तीसरे साल का अर्निंग डिवाइडेड बाय थ्री या सेकंड वाले में डिवाइड बाय टू ऐसा तो अगर एवरेज ऑन एन एवरेज अगर अर्निंग तीन साल में दस परसेंट से इंक्रीज होती है तो हम आपको थ्री इयर्स के बाद शेयर दे देंगे और अगर ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई तो तो फाइनली ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा इसको मैं बोल सकता हूं कि वेस्ट नहीं होगा क्या बोल रहे हो अनवेस्टेड ये ऑप्शन अनवेस्टेड ही कैंसिल हो जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ लास्ट नेक्स्ट फिफ्टी एंप्लॉज लेफ्ट द कंपनी इन ईयर वन 50 इंप्लॉयज जॉब छोड़ के चले गए पहले साल में चालीस एम्प्लॉज जॉब छोड़ के चले गए दूसरे साल में और थर्टी फाइव एम्प्लॉइज जॉब छोड़ के चले गए तीसरे साल में एक्चुअल अर्निंग नीचे परफॉर्मेंस आपको वो दे रहा है एक्चुअल अर्निंग का परफॉर्मेंस आपको दे रहा है फर्स्ट ईयर में कितना हुआ हां और कंडीशन क्या था सिक्सटीन कंडीशन फुलफिल हुई क्या नहीं सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर कितना है फोर्टीन प्लस टेन डिवाइड बाई टू एवरेज कितना अरे वो एवरेज की बात कर रहा है ना फोर्टीन प्लस टेन डिवाइड बाई टू कंडीशन क्या था कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। थर्ड की बात करते हैं। टेन पॉइंट थ्री थ्री कंडीशन क्या थी टेन फुलफिल हो गई मतलब वेस्टिंग पीरियड तीन साल का हुआ ठीक है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लास्ट लाइन 850 फिफ्टी इंप्लॉईज एक्सरसाइज ऑप्शन टोटल इंप्लॉइज कितने थे? पहले साल कितने गए 50 कितने बचे दूसरे साल कितने गए 40 कितने बचे 9 10 नेक्स्ट 35 गए कितने बचे 875 875 बचे में में से कितने employees exercise कर रहे हैं? 850 तो बाकी 25 का क्या हो जाएगा ये पूरी कहानी समझ आई बहुत सारा solve करते नई नई बातें मालूम पड़ेंगी अभी इतना आसान नहीं है सॉल्व करते टाइम कुछ कुछ न्यू चीजें मालूम पड़ेंगी तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं सोल्व करवाऊंगा आप अभी लिखेंगे नहीं अभी पूरा आप ध्यान देंगे बोर्ड पर और बाद में मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा ठीक है सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्या रिपीट करूं भाई पूरा क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दूं क्या पूरा क्वेश्चन तो रिपीट करना पॉसिबल नहीं है क्या रिपीट करना है क्या समझ में नहीं आया वो बताइए और वो स्पेसिफिकली पूछिए ऑल राइट Question number four Working Note number one Calculation of Calculation of Employee Compensation Expense. कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉज कॉम्पिशन एक्सपेंस ठीक है इसमें एट फर्स्ट ईयर एंड कोई डेट दी है क्या ईयर्स की कुछ डेट्स वगैरह दी हुई है क्या हाँ दी हुई है थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन अच्छा बहुत सारी बातें मालूम पड़ेंगी बताइए टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं 1000 में से कितने गए हां 50. 50 कितने बचे अब कंपेयर करो इस क्वेश्चन को मेरे पहली क्लास के बताए गए एग्जांपल से आपके पास एग्जांपल है एक्चुअली मेरे नोट्स में से पता नहीं क्यों सब डिलीट कैसे हो गया आप अपने एग्जांपल में जाइए जो एग्जांपल मैंने मैंने करवाया था सबसे पहली ई e की पहली क्लास में उसमें आपको याद होगा मैंने जब एग्जांपल करवाया था तो पहले साल कितने एंप्लॉय गए वो भी था और नेक्स्ट दो साल में कितने जाएंगे उसका एस्टीमेशन भी था देखो मेरा एग्जाम्पल चेक करो था कि नहीं था तो हम क्या कर रहे थे माइनस जो करंट ईयर में इंप्लॉय गए और माइनस जो और जाएंगे उसका एक्सपेक्टेशन आज ही देखो इस हमारे करंट वाले क्वेश्चन में देखो आज के क्वेश्चन में कितने इंप्लॉईज जाएंगे वो बताया ही नहीं है जब बताए नहीं तो दिमाग क्यों चलाना नहीं आया क्या समझ में तो इस बार ऐसा कुछ है ही नहीं तो सिर्फ माइनस इसका मतलब इंप्लॉईज ऑप्शन के लिए एक्सरसाइज कर लेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं मतलब हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के में कितने लोग जाएंगे उसका एस्टिमेशन ही नहीं है हमारे पास समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इनटू इंट्रेंसिक वैल्यू कितने थर्टी हाँ? हाँ अच्छा नंबर ऑफ ऑप्शन हाँ नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हंड्रेड अब मुझे बताओ आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो एम्प्लॉय एक्सपेंस की ये आप किस डेट पे कर रहे हो ये आप किस डेट पे कर रहे हो थर्टी फर्स्ट मार्च इफ अगर हम टाइमलाइन बनाए तो हमारा ग्रांड डेट था फर्स्ट अप्रैल एट ऑल राइट फर्स्ट अप्रैल एट और थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन कंडीशन क्या था कंडीशन क्या था अर्निंग्स होना चाहिए सिक्सटीन परसेंट होना चाहिए सिक्सटीन परसेंट हुआ कितना हाँ? और हम कहां खड़े हैं थर्टी फर्स्ट मार्च तो इसका मतलब जिस डेट पर हम खड़े हैं उस डेट पर हमें इतना तो पता लग चुका है कि पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं हम किस किस डेट पे खड़े हैं बेटा हम किस डेट पे खड़े बेटा हाथ 31 मार्च 2000 थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइन को हम खड़े हैं और हमें इतना समझ में आ चुका है कि जो जो टारगेट था अर्निंग टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए मतलब ना वी आर श्योर कि वन ईयर का वेस्टिंग पीरियड तो हो ही नहीं सकता अरे बोलो येस और नो ठीक है अब मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बता रहा हूं जो डाउट आ रहा होगा कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा क्या कि सर वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया है ना कि तीन साल का वेस्टिंग जा रहा है तो सर बात खत्म ना सर डिवाइडेड बाय थ्री कर दो क्या सोच रहे हो नहीं ये गलत हो जाएगा कोई जवाब देगा क्यों गलत हो जाएगा करेक्ट मैं किस डेट पे खड़ा हूं मैं किस डेट पे खड़ा हूं 30? मुझे क्या पता कि सेकेंड ईयर की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है समझ में आ रहा है कि नहीं तो एक बच्चा जो डाउट में ये हो सकता है कि सर वो तो क्वेश्चन ही बता रहा है ना कि थर्ड ईयर में फुलफिल हो रही है तो सर मैं तीसरे साल का सोच रहा हूं या मुझे थर्ड ईयर के एंड में थर्ड ईयर भी फुलफिल हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं सो माई आंसर इज माई आंसर इज हम कहा खड़े बेटा थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च हमें अपने जीवन में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि पैसे मिस्टिक होना चाहिए मतलब आशावादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एक इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए हा? तो क्या उम्मीद रखें कि नेक्स्ट ईयर हो जाना चाहिए सेकेंड ईयर में कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ये हमारी उम्मीद है इसीलिए डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय मैं पहले अभी लिख तो नहीं रहा ना हाँ डिवाइड बाय एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड जो आएगा वो कितना आएगा टू और ये एग्जैक्ट नहीं है ये है क्योंकि हमारी उम्मीद है कि सेकेंड ईयर तक कंडीशन फुलफिल हो जाए सर नहीं हुई तो सर नहीं हुई तो मैं आपसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूं नलाय को समझाया हुआ है नहीं हुई तो वो तो ठीक है मैं आपसे एक वर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था वेरी गुड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मैं ये वर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे वेरी गुड अगर ये वाले सेकेंड में कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कोई बात नहीं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ये वैसे भी एस्टिमेट है मैं ये वर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत बढ़िया तो ये एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड हाँ इन टू इन टू जल्दी बोलो एक ही साल हुआ है तो इज इक्वल टू कितना एक्सपेंस आया फोर्टीन फोर्टीन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज हमें फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा एंट्री बोलो एम्प्लॉई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट पेंडल एंडल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस ठीक है क्लियर? अगर फर्स्ट ईयर ऐसा हो गया तो पहले तो यहां तक नोट कर लो पहले यहां तक नोट कर लो एक बच्चे का आया सर रिपीट कर दीजिए दूसरे बच्चे का जवाब आया कि रिपीट क्यों करना अगर बैकवर्ड जाने का ऑप्शन है तो मैं कर्सर से तो जाओ <laughs> सर टेंथ जेन से डायरेक्टली लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं क्या पहले के लेक्चर्स देखे बिना करने को कर सकते हो टेंथ जेन से लाइव क्लास डायरेक्टली कर सकते हो पहले लेक्चर्स देखे बिना क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया था कि एडवांस अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है तो करने को तो कर सकते हो पर जो पहले का हो चुका होगा वो आप कवर कैसे करोगे वो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए आप अलग से आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा तो यस टेन जेन से कर करने को कर सकते हो एंट्री पॉइंट मान सकते हो कि टेन जेन से आप कर, कर सकते हो ओके वेन यू विल कंप्लीट योर राइटिंग देन आई एक्सपेक्ट की सेकेंड ईयर मुझे आप सॉल्व करके दें भले वो कैलकुलेटर पे करके दें बट आप सेकेंड ईयर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें उजेंड ऑल राइट गड़बड़ है सेकेंड ईयर का क्या फंडा है अब मैं सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में नहीं खड़ा अब मैं सेकेंड ईयर में खड़ा हूं जो कि है थर्टी फर्स्ट मार्च टेन और यहां अर्निंग टारगेट क्या था परसेंट जबकि यहां पर एक्चुअल एवरेज कितना निकला ट्वेल्व परसेंट तो इसका मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ तो यहां पर मैं खड़ा हूं और यहां पर खड़े होकर मैं कह रहा हूं यार सेकेंड ईयर का कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हुआ अभी भी हमारे पास एक और उम्मीद बाकी है थर्ड ईयर की तो सेकेंड ईयर के एंड में जब हम एक्सपेंस बनाएंगे तो सेकेंड ईयर के एंड में हमें इतना समझ में आ गया है कि सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है बट हमारी उम्मीद बाकी है उम्मीद क्या है कि थर्ड ईयर अभी कंडीशन फुलफिल हो सकती है तो अगर थर्ड ईयर हो गई तो टोटल तो वेस्टिंग पीरियड कितना माना जाएगा तीन साल तो हम सेकेंड ईयर के एंड में क्या उम्मीद से प्रोविजन बनाएंगे तीन साल के वेस्टिंग पीरियड को मानते हुए तो यस बोलिए एट सेकेंड ईयर एंड एट सेकेंड इयर एंड एक जवाब आया है दस लाख टेन लैक नाइनटी टू थाउजेंड सेकेंड इयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टेन हाँ कितने वन थाउजेंड माइनस फिफ्टी माइनस कितनेटी है ना हाँ हाँ ठीक है इंटू थर्टी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड इस बार कितना है थ्री इंटू इन टू कितना दो साल हो चुके हैं माइनस अच्छा इंटू टू करके क्या मिला क्यूमुलेटिव दो साल तक का एक्सपेंस उसमें से ऑलरेडी हम कितना बुक कर चुके हैं ट्वेंटी फाइव तो कितना आया थ्री लाख अच्छा माइनस करने से पहले फिगर क्या था था क्या क्योंकि एक बच्चे ने एटीन ट्वेंटी जवाब दिया है एटीन ट्वेंटी फिगर है क्या ठीक है बेटा जो आप जवाब दे रहे हो ऑनलाइन निहार वो क्यूमुलेटिव है एटीन ट्वेंटी उसमें से फर्स्ट ईयर का माइनस होगा उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो सेकंड ईयर का आंसर होगा एंट्री तो सबको क्लियर है हाँ जगह है क्या साइड में एंट्री करने की कि अलग से करोगे अलग से करना चलो हाँ भाई थर्ड ईयर की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है निकाल के दो एक्सपेंस हाँ जी बोलिए 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 एट थर्ड ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन वन थाउजेंड माइनस फिफ्टी माइनस फोर्टी माइनस थर्टी फाइव इंटू थर्टी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय थ्री मैं अब यहाँ नहीं खड़ा हूँ थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन पे खड़ा हूं और यहां पर अर्निंग टारगेट था टेन परसेंट एक्चुअल एवरेज हो गया टेन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट जो कि अचीव हो गया तो सचमुच में वेस्टिंग पीरियड थ्री माना जाएगा इनटू थ्री माइनस एटीन ट्वेंटी कितना आएगा एट लैख फाइव थाउजेंड एट लैख फाइव थाउजेंड ये तो हो गई हमारा वर्किंग नोट नहीं नहीं अभी वर्किंग नोट टू बाकी है क्योंकि कुछ रिवर्सल ओवरलैप्स होता है ना उसका वर्किंग नोट टू बनाओ चलो ये वर्किंग नोट वन था कि तो एम्प्लॉय एक्सपेंस निकाला अब वर्किंग नोट नंबर टू वर्किंग नोट नंबर टू ट्रीटमेंट ऑफ ईसो आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट ऑफ ईसो आउटस्टैंडिंग तो इसमें हम लिखेंगे टोटल बैलेंस ऑफ ईसो आउटस्टैंडिंग एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन कितना बैलेंस है वैल्यू ट्वेंटी सिक्स 26 ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वेरी गुड अरे पहले साल दूसरे साल तीसरे साल का मिलाकर मिलाकर्यूमलेटेड फिगर फिगर बेटे है ना अच्छा इसको लिखो ब्रैकेट में फोर कितने एम्प्लॉयज हैं, एट यहां मत लिखो इधर इसको लिखो फोर एट सेवेंटी फाइव एम्प्लॉज फॉर एट सेवेंटी फाइव एम्प्लॉइज ठीक है अब इसके करो दो हिस्से इसके करो दो हिस्से इसके करो दो हिस्से क्या फॉर एट फिफ्टी एंप्लॉज अवेल्ड द ऑप्शन और फॉर ट्वेंटी फाइव एंप्लॉयिज लेब्स करो ट्वेंटी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड कैसे आए ट्वेंटी फाइव फिफ्टी आपने 26 25 डिवाइड बाय 875 सेवेंटी फाइव इंटू एट और ये मान लो बैलेंसिंग फिगर ऑलराइट एक काम करो आप एंट्रीज मत करो इस बार वैसे भी क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है आप लिखो क्वेश्चन के नीचे प्रिपेयर

पहला इंप्लॉयी कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट एंप्लॉ कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट दूसरा ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओके डेट वाइज चलते सबसे पहले फर्स्ट अप्रैल एट टू उटस्टैंड outstanding ट्वेंटी फाइव यही होगा यही होगा शक्ल क्यों बना रहा है पूछ रहा यही यही होगी यही साइड पोस्टिंग होगा कि दूसरा साइड होगा पोस्टिंग डेबिट साइड होगा कि क्रेडिट साइड होगी डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या है अच्छा इसी का इसी का इसी का क्रेडिट साइड में क्या होगा वन फोर सॉरी वन फोर थोड़ी यार इकतीस मार्च को कर रहे थे ना माई मिस्टेक थर्टी फर्स्ट मार्च बाय बाय एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन फोर्टीन ट्वेंटी फाइव क्या करेंगे इसका इन दोनों अकाउंट्स का इसको तो पी पीएनडल में ट्रांसफर कर देंगे थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस फोर्टीन ट्वेंटी फाइव ठीक है उसका क्या करेंगे इस अकाउंट में इसका क्या करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन फोर्टीन ट्वेंटी फाइव एक अप्रैल नौ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन फोर्टीन ट्वेंटी फाइव ठीक है क्लियर नेक्स्ट हाँ अब थर्टी फर्स्ट मार्च टेन मैं थोड़ा तो फास्ट चल रहा हूँ अब ईसो आउटस्टैंडिंग थ्री लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्री नाइन्टी फाइव थर्टी फर्स्ट मार्च टेन में बाय एम्प्लॉय शन थ्री नाइन्टी फाइव थर्टी फर्स्ट मार्च टेन टू बैलेंस कैरी डाउन एटीन ट्वेंटी क्लियर थर्ड ईयर का भी कर लिया होगा तुम लोगों ने नहीं थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन टू सो आउटस्टैंडिंग एट लाख फाइव थाउजेंड बाय पी एंड एल अकाउंट एट लाख फाइव थाउजेंड खत्म चलो बॉस खत्म ये वाला हाँ इधर क्या था फर्स्ट अप्रैल टेन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन एटीन ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन बाय एम्प्लॉय कॉम्पन्सेशन एट लाख फाइव हाँ थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन टू बैलेंस कैरी डाउन कितना ट्वेंटी सिक्स लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अभी पोस्टिंग और होगी फर्स्ट अप्रैल इलेवन बैलेंस ब्रॉड डाउन ट्वेंटी सिक्स लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुक जाओ यहां तक क्लियर कर लिया अब ऊपर वर्किंग नोट पे जाओ इस सेवेंटी फाइव थाउजेंड की एंट्री क्या होती है एंट्री होती है ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व कर दो ये पोस्टिंग करो उस अकाउंट में पोस्टिंग करिए वाली हाँ तो ये जाएगा टू जनरल रिजर्व ब्रैकेट में लिख देना लेबस्ट सेवेंटी फाइव नेक्स्ट उसकी एंट्री क्या होती है दूसरे वाले की साइड में ना पहले एंट्री कर लो हां एंट्री बोलो विथ वैल्यू चाहिए मुझे बैंक अकाउंट डेबिट भाई 850 सौ पचास एंप्लॉयज हैं हंड्रेड शेयर्स मिलने वाले हैं और हम उनसे ट्वेंटी रुपीज बुलवा रहे हैं कितना सेवेंटीन लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एट लाख फिफ्टी दस रुपए फेसलियोजूम करो दस रुपए एट फिफ्टी कैसे आठ सौ पचास इंटू हंड्रेड इंटू टेन टेन रुपीजे सर यू ईसो आउटस्टैंडिंग का रिवर्सल ट्वेंटी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना एग्जैक्ट पोस्टिंग कैसे होगी पोस्टिंग कैसे होगी इस ऑप्शन कहां जाएगा बस मुझे इस अकाउंट को प्रिपेयर करना है आमतौर पर मैंने देखा है सीए इंटर स्टूडेंट्स को ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री की पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम जाती है इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लू पोस्टिंग कैसे होगी अनुष्का सर सॉफ्टवेयर पे कब से चालू होंगे लेक्चर्स सॉफ्टवेयर पे लेक्चर्स चालू होंगे टेंथ लेक्चर के बाद टेंटेटिवली हाँ बोलिए आमतौर पर क्या होता है हमें पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम कैसे जाती है ईसो आउटसाइडिंग डेबिट है तो हम बोलते हैं उसके लिए तो नीचे लिखा हुआ है वो दोनों अकाउंट का नाम लिख दो पर एक तकलीफ है अगर मैंने उन दोनों का अकाउंट का नाम लिख जो भी सही भी है वैसे टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो उन दोनों अकाउंट के सामने तो जो वैल्यू है वो लिखनी पड़ेगी और वो वैल्यू है इतनी और अगर मैं दोनों का टोटल करता हूं तो कुछ ज्यादा ही पोस्टिंग हो गई या तो मैं ऐसा कुछ ना करूं और दोनों को मिलाकर ट्वेंटी फाइव लाइफ फिफ्टी तो ऐसे कैसे चलता है ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है ची. या तो मैं एक ही नाम लिखूं बस ट्वेंटी फाइव फिफ्टी ऐसा भी नहीं तो तरीका बिल्कुल सिंपल है आप जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो टू शेयर कैपिटल उसके सामने वाला अमाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम सामने वाला अमाउंट बिल्कुल ठीक है और बाय करके बाय बैंक बाय बैंक कितना जब आप तीनों को टोटल करोगे तो पोस्टिंग सही हुई ना यार पोस्टिंग बिल्कुल ठीक हुई है पच्चीस लाख पचास हजार की समझ में आ रहा है कि नहीं करके देखो आठ पचास प्लस थर्टी फोर माइनस सत्रह पोस्टिंग आपकी ठीक और समझ में भी आ रहा है कायदे से पोस्टिंग से कि अच्छा बैंक से पैसा इतना आया शेयर कैपिटल इतना यूज हुआ बाकी प्रीमियम में गया मतलब बहुत ज्यादा इससे ही समझ में आ रहा है कि हाँ पोस्टिंग से ही समझ में आ रहा है कि कितना पैसा भी आ गया इस अकाउंट को टैली करेंगे तो हो जाएगा टैली इसका कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा सो क्वेश्चन नया था क्वेश्चन भी अच्छा था प्लस हमने इस क्वेश्चन में एंट्री ना करके लेजर्स क्रिएट कर लिए हो गया आपको मैं दो मिनट का टाइम दे रहा हूं देख लीजिए अच्छे से आपको दो मिनट का टाइम दे रहा हूं आप आराम से देख लीजिए फिर आगे बढ़ते ऑल राइट right. हो गया किसी को कोई डाउट पूछना है कोई डाउट नहीं क्वेश्चन नंबर टेन डन सॉरी फोर्थ डन क्वेश्चन नंबर फोर डन ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इस क्वेश्चन को मैंने सीए फाइनल से लिया है सीए फाइनल की बुक से आप इसको एग्जाम टिक कर सकते हो आइए द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी आर अवेलेबल ग्रांड डेट फर्स्ट अप्रैल सिक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग टाइम लाइन बनाएंगे अब ठीक है अपनी कॉपी में पढ़ने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप टाइम लाइन बनाएंगे ग्रांड डेट फर्स्ट अप्रैल सिक्स सिक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर्ड फाइव ट्वेंटी फाइव नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड पर इंप्लॉयी हंड्रेड हर इंप्लॉय को हंड्रेड हंड्रेड शेयर मिलेंगे वेस्टिंग कंडीशन क्या है कंटिन्यूस इंप्लॉयमेंट फॉर थ्री इयर्स चलो ये अच्छा है कि यहां पर इस क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड थ्री है है पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है नॉमिनल वैल्यू पर शेयर क्या ये फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू अभी तक तो हम टेन मान रहे थे अब क्वेश्चन में दिया हुआ है हंड्रेड एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर 125 ट्वेंटी ऑफर प्राइस है ये इतने पे शेयर खरीदा जाएगा ठीक है मार्केट प्राइस पर शेयर 149 फोर्टी नाइन तो बताइए क्या डिफरेंस आया इंट्रेनशिप वैल्यू कितना आया 24 वेस्टिंग डेट वेस्टिंग डेट वेस्टिंग डेट का मतलब क्या होता है जब कंडीशन फुलफिल हो जाती है यहां पर जब ऑप्शन वेस्ट हो जाता है जब ऑप्शन वेस्ट हो जाता है और एक्सरसाइज डेट का क्या रेलेवेंस है वेस्टिंग डेट खत्म होने के बाद जो टाइम पीरियड आपको मिलता है कि सोच के बताओ तो एक साल का टाइम मिला है वेस्टिंग डेट आपका खत्म हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांडेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप पूरा क्वेश्चन रिमेनिंग मत पढ़िए सबसे लास्ट में आइए लिखा हुआ है कंप्यूट द एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर बाय फेयर वैल्यू मेथड और इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड ऐसी चीज किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछी गई अभी तक और ये फेयर वैल्यू मेथड क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड क्या है पहली बात तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए वो सब इंट्रेंसिक वैल्यू को ध्यान में रखते हुए किए इसीलिए वो वो जो थे, वो सब वैल्यू मेथड में आ गए हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेंस निकालने का हम इंप्लॉयज को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ ऑप्शंस के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ हा बस यहां पर ही चेंज है यहां पर इंट्रेंसिक वैल्यू आता है अब आप यहां पर फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे बाकी सब कुछ वही वेस्टिंग पीरियड और इयर्स लैप्स और माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, यहां पर आप क्या करोगे फेस वैल्यू बोला किसी ने यर वैल्यू फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है थर्टी और इंट्रेंसिक कितना दिया हुआ है बोलो बेटा सर इंटरसिक वैल्यू तो समझ में आता है जो शेयर हम इशू कर सकते हैं जो शेयर हम इशू कर सकते हैं वन फोर्टी नाइन रुपीज पर हम वो कितने में दे रहे हैं आपको वन ट्वेंटी फाइव तो कंपनी को चौबीस रुपए का नुकसान अरे बात समझ में आ रही कि नहीं बट ये इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते वक्त हम सिर्फ एक ही फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ आज की मार्केट वैल्यू माइनस ऑफर प्राइस हम बाकी फैक्टर्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं फेयर वैल्यू जो निकाल के दी गई है आपको उसमें बाकी अदर फैक्टर्स भी कंसीडर किए गए हैं कि क्या पता आगे चल के मार्केट प्राइस बढ़ जाए तो शेयर की दो क्लासेस हो गई सॉप की आज तीसरी क्लास है किसी का भी डाउट ये नहीं आया कि सर मार्केट प्राइस तो ग्रांड डेट पर होती है और हम पूरे तीन साल की कहानी कर रहे हैं तो सर तीन साल में अगर मार्केट प्राइस अप एंड डाउन हो जाए उसका क्या अंडरस्टूड नॉट तो फेस ये फेयर वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू में फर्क क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू में सिर्फ करंट मार्केट प्राइस जो ग्रांड डेट पर अवेलेबल है उसको कंसिडर किया गया है जबकि फेयर वैल्यू निकालते वक्त यह माना गया है कि अगर आगे चल के मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन आएंगे उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा भाई ये मार्केट प्राइस क्या हमेशा 149 रहेगा क्या ये मार्केट प्राइस आगे चल के बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है थर्टी आया है तो इसका मतलब आगे चल के बढ़ेगा ही सही तो कंपनी का नुकसान भी तो ज्यादा होगा हाँ एक और चीज एंप्लॉय नॉर्मली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है एंप्लॉय नॉर्मली कितना अरे आप एफ में पढ़ते हो ना एफ में अभी आपका एफ शुरू 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 नहीं हुआ होगा आपका ऐसे ही जस्ट आई एम से इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम पैसा कहीं पर लगाओगे अगर तुम कहीं पैसा लगाओगे तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न तुम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे तो यहां पर एम्प्लॉ तीन साल में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा उसमें कितने फ्लक्चुएशन हो सकते हैं एटलीस्ट अगर वो ये सोचे कि यार जितने की वैल्यू मुझे ऑफर की जा रही है वही अगर मैं एफ डी बना के इन्वेस्ट कर दू जॉब छोड़ दू एफडी बना के इन्वेस्ट कर दू मिनिमम तो मुझे बैंक से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो एक्चुअली फेयर वैल्यू निकालते वक्त ना सिर्फ करंट मार्केट प्राइस को कंसिडर किया जाता है फ्यूचर के मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन को भी कंसिडर किया जाता है आने वाले तीन साल के अपड डाउन को कंसिडर किया जाता है और वो आपको निकाल के देते हैं कि फेयर वैल्यू ये है अगर आप मुझसे पूछो कि सर दोनों में से बेटर कौन सी है तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा फेयर वैल्यू इज द बेटर थिंग और एंटिटी को हमेशा एक्सपेंस बुक करना चाहिए फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग और नॉट जो ऑप्शन मैंने आपको दिया है उसकी औकात क्या है सिंपली फेयर वैल्यू इज द थिंग जो ऑप्शन मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसकी क्या वैल्यू है उस ऑप्शन की ऑप्शन क्या दिया है कि मैं आपको कह रहा हूं कि तीन साल बाद आप आना और आप मुझसे शेयर खरीदना तीन साल के लिए आपको मेरी कंपनी में काम करना पड़ेगा इस ऑफर की क्या वैल्यू है इस ऑफर की वैल्यू है थर्टी रुपीज क्या आपको ये थर्टी रुपीज वो जो फेयर वैल्यू है क्या ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा या फिर निकालना पड़ेगा द आंसर इसकी निकालना तो कभी नहीं पड़ेगा या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको क्वेश्चन उसी से सोल्व करना है और अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं दिया हो तो आप इंटरसिक वैल्यू से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से सोल्व करना है हम सोल्व करेंगे थर्टी रुपीज के फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग क्योंकि इंट्रेंसिक से तो हम सोल्व करते आ रहे हैं अंडरस्टूड और नॉट अब एक और बात आपको याद होगा मैंने यहां पर पेंडिंग लिखा हुआ था फेयर वैल्यू में जाइए बुक में जाइए आपने लिखा होगा मैंने आपको आपको बोला था कि जो मैं पॉइंट्स फर्स्ट पेज के पढ़वा रहा हूं उसमें दो पॉइंट्स आपको मैं मैं छुड़वा रहा हूं वो मैं बाद में बताऊंगा पॉइंट वैल्यू पढ़िए फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू इट इज द अमाउंट फॉर विच स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड और अ शेयर ऑफर्ड फॉर परचेज कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन uh, मतलब ये ऑप्शन अगर किसी भी पार्टी को जो दिया जा रहा है अगर मैं उस पार्टी से ये ऑप्शन खरीद लू uh, इसको इसको ऐसे लो कि आपने ग्रुप वन में एक चैप्टर पढ़ा था राइट इशू ग्रुप वन में राइट right इशू का चैप्टर पढ़ा था उस राइट right इशू के चैप्टर में राइट इशू के चैप्टर में आपको याद है कि राइट right, आपको जब शेयर होल्डर को मिलता है तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है किसी और को रेनाउंस कर सकता है याद आ रहा है तो किस वैल्यू पे वो राइट right बेच सकता है कुछ याद आ रहा है आपको नहीं याद आ रहा क्योंकि कोई बोल नहीं पा रहा है उस पर ज्यादा क्या नाम है अच्छा ऐसा होता था कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो कंपनी के

बेच सकते हो कोई और तुमसे ये राइट पांच दस रुपए में खरीद लेगा अरे बोलो ना तो ये राइट कितने में बेचा जा सकता है वो क्या था सेल प्राइस क्या बोलते थे उसको रे, राइ, रे, रेना, रेनाउंसिएशन राइट बोलते हो उसको पर आप सोचो मत छोड़ो बस पॉइंट ये था कि सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट होता था वो राइट इशू या राइट सेल इश, सेल वगैरह तो पॉइंट ये है कि वो जो राइट आप सेल कर सकते हो किसी और पार्टी को सेल करने पर आप पांच रुपए दस रुपए में सेल कर सकते हो अंडरस्टूड और नॉट तो हम ये ये बोलते थे कि यार जो व्यक्ति खरीदेगा ये राइट अगर अंडर पांच रुपए में भी बेचा तो एक तो वो पांच रुपए आपको देगा फिर उसके पास ये राइट आ गया सत्तर रुपए में खरीदने का तो अल्टीमेटली उसको ये कितने का शेयर पड़ेगा सेवेंटी में तो अभी फायदा है क्योंकि शेयर का प्राइस है बोलो ना तो ये राइट आपने बेचा उसको कितने में वैसे ही फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है कि मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया कि तुम शेयर सस्ता खरीद सकते हो तुम शेयर सस्ता खरीद सकते हो तीन साल का काम करने पर तो इस ऑफर की वैल्यू अगर ये तुम ऑफर किसी को जाके बेचोगे तो ये कितने में बिक सकता है थर्टी रुपीज में अंडरस्टूड और नॉट ये ऑफर की वैल्यू है ये शेयर की वैल्यू नहीं है यह किसकी किस वैल्यू है जैसे राइट इशू के केस में वो राइट वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ राइट याद आ रहा है कि नहीं वैल्यू ऑफ राइट आ रहा था कि नहीं आ रहा था कम राइट माइनस एक्स राइट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ग्रुप वन में हो तो वैल्यू ऑफ राइट होता था वैसे ही इस ऑफर की वैल्यू जो कंपनी ने अपने एंप्लॉय को ऑफर दिया है कि तीन साल काम करो हम तुम्हें शेयर सस्ता देंगे अगर ये एम्प्लॉई ये ऑफर किसी को बेच सके तो कितने में बेचेगा तीस रुपए में बोलो बेटा हां तुम्हारा नाम क्या है करण अब करण ने सोचा करण के पास करण ने एक स्कीम लाया करण एक स्कीम लाया करण ने बोला कि मैं एक ऑफर दे रहा हूं इधर सबको मैं ये ऑफर दे रहा हूं सबको तुम सबको करण ने ऑफर दिया कि मैं एक डेरी मिल्क चॉकलेट दूंगा हर व्यक्ति को अगर मुझे थप्पड़ मारोगे जो भी मुझे थप्पड़ मारेगा मैं उसको डेरी मिल्क चॉकलेट दूंगा बाकी लोग तो सोच रहे होंगे मत भी दे तो भी हम मारेंगे ठीक है चलो इसको दूसरी तरीके से बोलते हैं मैं सबको करण बोल रहा है कि मैं सबको ऑफर दे रहा हूं मुझे आके थप्पड़ मारो पर उसके बदले तुम्हें मुझे नाश्ता खिलाना पड़ेगा तुम्हें मुझे नाश्ता कराना पड़ेगा तो ये ऑफर है ऑफर गिवन बाय करण टू ऑल ऑफ यू क्लास के स्टूडेंट्स को अब तुम्हारा नाम क्या है निधि ने बोला नहीं 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 मेरे को थप्पड़ पड़ नहीं मारनी मेरे को निधि के पास ऑफर है पर ये निधि ऑफर रुशान रुशान नाम है ना रुशान को ट्रांसफर करना चाहती है कि तू ले ले तो निधि ऑफर निधि के पास क्या ऑफर है करण को थप्पड़ मारेगा मारने का ऑफर है उसके बदले करण को नाश्ता करवाना है रुशान ने बोला मेरे को दे दे ये को तो रुशान ने निधि से ये ऑफर कितने में खरीदा भाई निधि ने पहले ने पहले करण ने ये रुशान ने हिसाब लगाया कि नाश्ता कितने का कराना पड़ेगा सौ रुपए का नाश्ता सौ रुपए का करना पड़ेगा चलो ठीक है करवा लूंगा ये ऑफर निधि से उसने दस रुपए में खरीद लिया कि चलो ठीक है मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम एक सौ दस रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हूं पर मुझे मजा बहुत आएगा समझ नहीं द थिंग इज दिंग हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ ब्रेकफास्ट हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द दियर हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द ऑफर करन गिवन टू ऑल अंडरस्टूड और नॉट

जितना फायदा एम्प्लॉय को उतना ही कंपनी के लिए नुकसान सिंपल ये ऑफर कौन किसको दे रहा है कंपनी कंपनी किसको ऑफर दे रही है एम्प्लॉय को कितना फायदा ऑफर के बराबर वो वैल्यू के बराबर तो जो फायदा एम्प्लॉय को वही नुकसान कंपनी को सीधा वही तो लिखा है कि अगर ये ऑफर को ट्रांसफर कर दिया जाए आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन पर तो उसकी वैल्यू क्या होगी अंडरस्टूड क्लियर आगे देर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट इंट्रेंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू लिखा हुआ है ध्यान से देखिए इसके साइड में लिख दीजिए रिफर क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर तो एक होता है सिक वैल्यू का तरीका एक होता है फेयर वैल्यू का तरीका ज्यादा बेटर कौन सा है फेयर वैल्यू क्यों क्योंकि फेयर वैल्यू को निकालते वक्त कुछ मल्टीपल चीजें कंसिडर की जाती है कि मार्केट प्राइस आज इतना है तो फ्यूचर में उसमें कितने फ्लक्चुएशन हो सकते हैं नंबर ऑफ इयर्स थ्री है उसमें रिस्क फैक्टर कितना है करंट इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू निकाली जाती है सो फेयर वैल्यू इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन टू Uh, make an accounting for ESOP. Understood, guys? So what we do, what we will do, we'll solve the question by intrinsic, uh, sorry, fair value method. Understood or not? अब जो बचा बोला part है, बचा बचा हुआ part है. अभी मैंने question complete नहीं करवाया. बीच वाला बचा हुआ part है आई है. उसपे grand date के according चलिए timeline बनाना शुरू करिए. टाइमलाइन बनाना शुरू करिए ग्रांड डेट क्या है ऑल राइट फर्स्ट अप्रैल सिक्स फर्स्ट अप्रैल सिक्स में एंप्लॉयिज कितने हैं ट्वेंटी फाइव वेस्टिंग पीरियड कितना है तो वेस्टिंग डेट कितनी हो गई थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन एक्साइज बात कर छोड़ दो फर्स्ट ईयर कहां एंड हो रहा है मार्च सेवन बताइए पहले साल कितने एंप्लॉयज गए हम्म लेफ्ट पंद्रह और भी कुछ कहा गया है एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर इज ये टू परसेंट पर एन है क्योंकि एनुअल वर्ड यूज किया है ये क्या है ये टू परसेंट क्या है दो परसेंट छोड़ के जा सकते हैं हर साल अभी और कितने साल बचे हैं आगे बाद? मैं थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवन के बाद कितने साल अभी भी बचे हुए तो हर साल कितने कितने जा सकते हैं दो दो परसेंट एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर करंट ईयर में कितने गए पंद्रह आने वाले दो साल में कितने कितने जाएंगे दो परसेंट दो परसेंट जाएंगे ऐसा लगता है बोलो बेटा तो यहां पर एस्टिमेटेड डिपार्चर दो परसेंट पर एन एम नेक्स्ट ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च एट कितने गए टेन गए कितना डिपार्चर है एस्टिमेटेड डिपार्चर थ्री परसेंट नेक्स्ट ईयर कितने गए आठ तो मुझे बताओ यहां मैं क्या लिखूं ऑप्शन ऑप्शन वेस्टेड टू कितने एंप्लॉइज को ऑप्शन वेस्ट हुआ कितने एम्प्लॉयज को ऑप्शन वेस्ट हुआ फोर नाइन्टी टू एम्प्लॉयज को ऑप्शन वेस्ट हुआ इसके बाद एक साल का पीरियड क्या था थर्टी फर्स्ट मार्च टेन अच्छा एक सेकेंड इस पीरियड को बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड और यहां इस पीरियड को बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड यहां जाके बताइए एक्सरसाइज कितने किया ऑप्शन एक्सरसाइज फोर फिफ्टी हा फोर तो एटी वही तो लिखा था मैंने तो चेक कर रहा था मैं तुम लोगों को मैं चेक कर रहा था क्लास में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ हो ऐसे इधर उधर ध्यान नहीं है चलो मुझे कोई फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकाल सकता है क्या फेयर वैल्यू मेथड से फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकाल के बताओ हम क्या कर रहे हैं फेयर वैल्यू मेथड फेयर वैल्यू मेथड यस सॉल्व करिए सॉल फर्स्ट ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च सेवन हाँ जी बोलिए टोटल कितने एम्प्लॉज फाइव ट्वेंटी फाइव में से कितने लोग चले गए पंद्रह कितने लोग और जाएंगे दो परसेंट तो एक साल में जाएंगे टोटल फोर तो मेरा सवाल यह है कि माइनस फोर परसेंट करूं या फिर माइनस टू परसेंट फिर माइनस टू परसेंट करूं या फिर 525 का फोर परसेंट करूं

और अब तुम बोल रहे हो कि यार दो परसेंट और जाएंगे तो दो परसेंट किसका जो अभी बचे हुए उसका ना यार जो अभी बचे हुए उसका ही दो परसेंट होता है ना यार हा? तो दो परसेंट जो बचे हुए हैं उसका जाएगा अच्छा अब दूसरा सवाल ये कि मैं दो की जगह चार करूं क्या या फिर मैं दो परसेंट फिर माइनस टू परसेंट करूं ये ज्यादा बेटर है क्यों क्योंकि जो बचे हुए हैं उसका दो जाएंगे फिर जो बचे हुए होंगे उसका तो अगले साल जाएंगे और नॉट मतलब जो ये दो परसेंट है ये रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर है ना यार कॉमन सेंस हुआ ना यार जितना बचेगा उसके ऊपर दो परसेंट जाएगा इसमें फाइव ट्वेंटी फाइव एम्प्लॉइज है कितने गए कितने बचे आ? इसका अगले साल कितने जो कितने लोग जाएंगे तो माइनस टू परसेंट करो अरे तुम तो मुझे फाइनल वैल्यू बोलो यहां पर नहीं मैंने एक ही बार दो परसेंट माइनस किया है हाँ मुझे पॉइंट में चाहिए मुझे वैल्यू पॉइंट में ही चाहिए फोर नाइन पॉइंट एट आगे भी कुछ है क्या हाँ इसका मतलब एक सेकेंड ये जीरो ईयर में थे मतलब बिगनिंग में थे ये किधर है ईयर वन के एंड में ये कहां बचेंगे ईयर टू के और ईयर टू के एंड में इतने बचेंगे तो इसमें से और कितने लोग जाएंगे दो परसेंट और जाएंगे तीसरे साल में मतलब तो कितने बचेंगे 489.804 ये कब बचेंगे year? और ये मैं कब बोल रहा हूं ये मैं कब बोल रहा हूं मैं कहा खड़ा हूं मैं फर्स्ट ईयर के एंड में बोल रहा हूं कि भाई ऑन एन एवरेज इतनेसेंट देंगे यही तो किया मैंने समझ आ रहा है कि नहीं तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है नहीं आ रहा है शक्ल देख के लग रहा है सर आ भी रहा है पर सर नहीं भी आ रहा है है ना है ना ना सेम पेंच <laughs> क्योंकि पर नहीं समझा क्या हाँ ऐसा है कि सी डेट वाइज बात करते हैं है ना डेट वाइज बात करते हैं सबसे पहले मुझे बताओ ग्रांड डेट क्या है वहां पर तेरे पास कितने फाइव ट्वेंटी फाइव फर्स्ट अप्रेल टू थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी एक साल कंप्लीट हुआ पंद्रह एम्प्लॉय चले गए अब कौन सी डेट पर आ गए अपन यहां पर मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर टू और उसके नेक्स्ट ईयर टू और जाएंगे इधर कौन सी वाली डेट अगर तू टाइमलाइन देखेगी तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जहां येलो किया हुआ है जहां येलो पोर्शन किया हुआ है आज मैं वहां खड़ा हूं येलो पोर्शन पे खड़ा हूँ कि तो नहीं आज मैं ये ना बोलना कितने आज मेरे पास और मैं क्या बोल रहा हूं कितने जाएंगे और यहीं पर और क्या बोल रहा हूं उसके नेक्स्ट ईयर कितने जाएंगे तो किसका किसका टू परसेंट किसका निकलेगा रिमेनिंग का मतलब अभी टू परसेंट नेक्स्ट ईयर कितने और जो टू परसेंट जाने के बाद जब बच जाएंगे उसका फिर से टू परसेंट जाएंगे तो बस मैंने दो बार माइनस टू परसेंट किया ना हाँ मैंने पहले कुछ में थोड़ी बोला था पहले भी मैंने हिंदी में ही बोला था समझ आया कि नहीं फिर से मुझे अब प्रॉपर वाइज बताओ हाँ बोलिए फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस टू परसेंट माइनस टू परसेंट इसको बड़ा ब्रैकेट लगाओ इन टू नंबर ऑफ ऑप्शन हंड्रेड इंटू थर्टी अब आमतौर पर बच्चे लोग यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं वो भी बता रहा हूं फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस टू माइनस टू करके यहां पर वो फोर एटी नाइन पॉइंट समथिंग समथिंग लिख देते आरे, लिखो ही मत बच्चे यहां पर मुझसे पूछे सर पॉइंट में इंप्लॉई आ रहा है अरे इंटू हंड्रेड इंटू थर्टी करके आपको एक्सपेंस निकालना है आपको इंप्लॉई निकालना ही नहीं है आपका आंसर आपका एक्सपेंस का है तो आप पॉइंट पे जाओ ही मत जो भी आ रहा है फ्लो में इंटू हंड्रेड कर दो ठीक है डिवाइडेड बाय थ्री इंटू वन फोर एटी नाइन 804 जीरो फोर सेकेंड ईयर का देखते हैं किससे किससे निकलेगा सेकेंड ईयर का निकालिए सेकेंड ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च एट हांव ट्वेंटी फाइव में से पंद्रह ऑलरेडी जा चुके थे पहले साल में तो पांच सौ दस बचने चाहिए करंट ईयर में कितने गए टेन और गए हाँ बोलिए हाँ? अब इस बार माइनस थ्री परसेंट दो बार करूं कि एक बार करूं हम्म एक बार क्योंकि दो साल का डेटा तो हमारे पास एक्चुअल पड़ा है ना कितने चले गए पहले साल पंद्रह गए दूसरे साल गए तो अब हमारे सामने सिर्फ एक ही साल दिख रहा है हम सेकेंड ईयर में तो खुद खड़े हुए हैं सेकेंड ईयर में तो हम खुद खड़े हुए हैं हमारे सामने थर्ड ईयर का डेटा दिख रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तेरे बाल क्यों खड़े हो गए सब ठीक है हाँ माइनस थ्री परसेंट तो पूछ क्यों नहीं रहा मतलब तो कुछ डाउट आ रहा है क्या तो वो बोल है उसको नहीं आ रहा है देख डाउट है तो डाट पूछ ले आज तो उसने बोल दिया कल बार बार कोई नहीं बोलेगा अपने को सीए बनना है अपने को एग्जाम देना है अपने ब्याह पे कोई नहीं जाएगा ठीक है अपने करियर कर, करियर के लिए अपन खुद जिम्मेदार है अपन लाखों रुपए खर्च करते टीचर के ऊपर पढ़ाई के ऊपर एंड में जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी पास होगा तारीफ किसकी होगी मेरी खुद की फेल होगा बुराई किसकी होगी मेरी खुद की गालियां कौन खाएगा मैं खुद टीचर तो आगे निकल जाएगा दोस्त लोग उधर निकल जाएंगे तब याद आएगा कि अरे मैं डाउट पूछ लेता काश उस टाइम पे तो पूछना है तो मतलब पूछ ही लो मैं तेरे को एक, एक बात बताऊं, तू हाफ माइंड से अभी बैठा है कल भी मैंने लास्ट क्लास में मैंने ऐसा कुछ बोला था कि कुछ लोग हाफ माइंड से बैठे हैं बस यही रीजन है और कुछ नहीं है हाफ माइंड से बैठा है हाफ माइंड कहीं और चल रहा है चल रहा है यकीन मान चल रहा है तो हाफ माइंड से बैठेगा तो क्या होगा कि ना बार बार इधर का पूछ कुछ सुन के फिर कहीं उधर चला जाएगा फिर वापस इधर आ जाएगा तो बोलेगा यार बाकी का मेरा अब छूट गया और चलो हाँ ठीक है वापस तो ये ये जो स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑन ये जो रहता है ना ऑफ और ऑफ इसके चक्कर में अपन नहीं समझ पाते बीच में ठीक है तो ये मत कर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा तेरे को पास करवाने के लिए तो ही जिम्मेदार है कोई और जिम्मेदार नहीं है इंटू हाँ बोलिए इंटू हंड्रेड इंटू थर्टी डिवाइड बाय थ्री इंटू टू माइनस फोर एटी नाइन Eight zero four next year. नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन नेक्स्ट ईयर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास एक्चुअल डेटा है कितना एक्चुअल डेटा फोर नाइन्टी टू है ना इंटू हंड्रेड इंटू थर्टी डिवाइड बाई थ्री इंटू थ्री टोटल कितना आया नहीं टोटल चाहिए मेरे को इसका टोटल फोर्टीन सेवेंटी माइनस नाइन लैख सेवेंटी मतलब ऊपर के दो चीजें सेवेंटी नाइन सेवेंटी हो रहे हैं क्या ठीक है फाइव लैख माइनस हाँ हाँ मैंने तो शॉर्ट किया हाँ वैसे ही चलिए बताइए टोटल ईसो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट फॉर नाइन्टी टू एम्प्लॉज कितना हो गया फोर्टीन सेवेंटी सिक्स सॉरी इसमें से कितना ४८० ४८० फोर एक्सरसाइज्ड १४७६ एक्सरसाइज डिवाइडेड बाय ४९२ नाइंटी टू इंटू फोर एटी फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड 12 लेब्स्ट कितना थर्टी सिक्स थाउजेंड श्री नॉर्मल हाँ वो भी कर सकते हैं वो भी कर सकते फोर एटी इंटू हंड्रेड इंटू थर्टी ठीक है ये मैच हो रहा है क्या फोर एटी नाइन एट जीरो फोर फोर एटी वन नाइन सिक्स मैच हो रहा है क्या आंसर हाँ? हो रहा है थर्टी सिक्स थाउजेंड जनरल जाओ हो रहा है ना इंट्रेंसिक वैल्यू से अभी करोगे कि घर पे कर लोगे क्या करना है कर लोगे चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव डन एक बार क्वेश्चन नंबर थर्टीन पढ़ना जो कि आपके होमवर्क में है एक बार क्वेश्चन नंबर थर्टीन पढ़ना ये जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है ना ऐसा फील आ सकता है पढ़कर कि वो जो क्वेश्चन किया था अपन ने क्वेश्चन नंबर फोर आई थिंक चॉइस लिमिटेड वाला जिसमें एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड लेना पड़ रहा था वैसा फील आएगा पढ़ो एक बार

करोड़ का टारगेट फुलफिल कर लिया तो फर्स्ट ईयर के एंड में ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा मतलब आपकी वेस्टिंग डेट मानी जाएगी थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन पर अगर ये कंडीशन ए सेटिस्फाई नहीं होती अगर ये कंडीशन ए सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या करोगे कंडीशन ए इज नॉट सेटिस्फाइड कंपनी अर्स 250 करोड़ और अबव आफ्टर टैक्स इन एग्रीगेट इन एग्रीगेट मतलब पहले साल और दूसरे साल का मिलाकर एवरेज नहीं इस बार एवरेज नहीं है इस बार टोटल है अगर पहले और दूसरे साल का मिलाकर अगर कंपनी 250 करोड़ भी कमा लेती है तो सेकंड ईयर के एंड में आपको ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा और सेकंड कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं हुई तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 400 करोड़ अगर कंपनी ने कमा लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में मिलाकर फोर हंड्रेड करोड़ रुपीज अगर कंपनी ने कमा लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में मिलाकर तो आपको ऑप्शन वेस्ट हो थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन पे और अगर वो भी नहीं हुआ तो ऑप्शन अनवेस्टेड रह जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा अब देखते हैं कि सचमुच में क्या हुआ आप देखिए पोजिशन एज ऑन थर्टी मार्च नाइन फर्स्ट ईयर के एंड में क्या पोजिशन है पहले साल कितना कमाया पनवन भाई क्या फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई मुझे सभी लोग जवाब देंगे क्या फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई तो मतलब पहले साल इतना तो समझ में आ गया कि वेस्टिंग पीरियड में वन नहीं मान सकता बट यही देखो उम्मीद बाकी है उम्मीद के हिसाब से क्या कर रहा है रहे? देखो क्या कह रहा है उम्मीद क्या लग रहा है लगता है कि सेकेंड ईयर में कितना कमाएंगे तो लगता है वन कमाएंगे लगता है वन कमाएंगे और कितना अभी कमा लिया है तो दोनों को टोटल करो टू तो यार ये तो कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकालते वक्त आप वेस्टिंग पीरियड कितना लोगे दो साल की तीन साल की एक साल एक साल तो नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे एक साल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई अब उम्मीद क्या है उम्मीद सेकंड ईयर की लग रही है कि थर्ड ईयर की लग रही है सेकेंड ईयर की लग रही है क्योंकि दिख रहा है कि ढाई से ऊपर जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं पक्का तो यहां पर आप एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड कितना लोगे इयर्स नहीं आया क्या समझ में मुझे सेकेंड ईयर बताओ क्या होगा करण आप भी पढ़ रहे हो ना तो सेकेंड ईयर पढ़ो और मुझे बताओ क्या होगा सब लोग सेकेंड ईयर में सचमुच 130 हो गया तो क्या सेकेंड ईयर की कंडीशन फुलफिल हुई क्या पर पिछले साल तो हमने टू ईयर्स ले लिया था एक्सपेंस बुक करने के लिए दिस इज वॉट वी कॉल इट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कोई बात नहीं अब बताइए सेकेंड ईयर में आप वेस्टिंग पीरियड कितना लोगे कितना लेंगे थ्री ईयरस कैसे कह सकते थ्री ईयर्स भाई पहले साल का 115 एक्चुअल दूसरे साल का 130 एक्चुअल और दूसरे साल में ही लगता है कि 160 हो जाएगा तो कितना हो रहा है 405 जीरो फाइव और कंडीशन किस चीज की थी फोर हंड्रेड तो सेकेंड ईयर पे खड़े होकर लग रहा है कि थर्ड ईयर की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो क्या लगा क्या करेंगे एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड कितना लेंगे थ्री ईयर्स थर्ड ईयर में आओ थर्ड ईयर में आओ क्या लगता है कंडीशन फुलफिल हो गई 165 अगर टोटल करेंगे तीनों में मतलब एक्चुअल 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 मिल गए ना 115 130 165 कितना हो गया 410 कितना हो रहा है 410 हो रहा है ना कंडीशन फुलफिल हो गई तो यहां पर भी वेस्टिंग पीरियड कितना लेंगे हो जाएगा ये क्वेश्चन हाँ तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है हाँ? हम टाइमलाइन क्रिएट करते हैं ना तो वही कंफ्यूजन जाता है आपको इतना सौ इतना नहीं लिख के हमें कोई जरूरत नहीं कोई नीड नहीं है उसका कोई नंबर्स पे प्लस माइनस नहीं होना ना प्लस होगा ना माइनस होगा आप टाइमलाइन ज़रूर बना के टाइमलाइन में ही आप शॉर्ट में लिख दोगे तो चलेगा तो वो अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल हो जाता तो जितना भी हमने बुक किया था एक्सपेंस उसको रिवर्स कर देते ठीक है हमने कितना बुक किया था फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में सर थर्ड ईयर में तो हमने बनाया ही नहीं थर्ड ईयर में तो कैंसिल हो गया तो फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट क्रेडिट बैलेंस रखा होगा उसको रिवर्स कर देंगे उसको डेबिट करके रिवर्स कर देंगे जनरल में ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं वो तो ऑलरेडी दो पहले दो साल में पीएल में जा चुका है ना थर्ड ईयर में तूने कुछ किया ही ईयर तो का प्रॉफिट गिर गया थर्ड ईयर में तेरे को मालूम पड़ा कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई कैंसिल कोई बात नहीं तो जो फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिख रहा है ईसो आउटस्टैंडिंग उसको तूने डेबिट करके क्रेडिट किस में किया तो तेरे जन्म तो बढ़ तो गया तो जो तो 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 दो साल में जो तेरा तो पिंडल पिंडल गिरा था उसे तूने जन्म तो बढ़ा दिया होगा तो ना बैलेंस ठीक है ओए, में आ रहा है कि नहीं एंगे एंगे उसका इससे लिंक नहीं है वो कह रहा है हमारी अर्निंग अगर इतनी हो चाहिए। एक्सपेंस डेबिट करने के बाद चाहे पहले हो बस ये हमने उन्होंने दिया है है ना उससे उसका लिंक मत करो नहीं तो उलझोगे कि सर दैट इज वन ट्वेंटी डेबिट ऑफ एक्सपेंस और बिफोर डेबिट ऑफ उससे उसका कोई सेंस ही नहीं है उसका मतलब ही नहीं है क्वेश्चन थर्टीन होमवर्क हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन पे आओ क्वेश्चन नंबर सेवन पर आओ चलिए ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे और फिर मुझे इंटरप्रेट करके बताएंगे पढ़िए ये क्वेश्चन पढ़िए ये क्वेश्चन आप पूरा का पूरा और फिर मैं आपसे इंटरप्रिटेशन मांगूंगा इफ़ पॉसिबल तो पढ़ते पढ़ते आप रफ में पेन भी यूज़ कर सकते हो कि कुछ अगर आपको लिखना हो साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया? हाँ भाई कितने एम्प्लॉय हैं एक ही है यहां पर एक ही इंप्लॉई है सीनियर एग्जीक्यूटिव जिसको ऑफर दिया जा रहा है क्या ऑफर दे रहे हैं उसको हम उसको टेन थाउजेंड शेयर इशू करेंगे उसके उसको टेन थाउजेंड शेयर इशू करेंगे कंडीशन दो है पहला कंडीशन क्या है तीन साल काम करना है दूसरा कंडीशन क्या है दूसरा कंडीशन परफॉर्मेंस वाला है क्या क्या कंडीशन है दूसरा ये हम कह रहे हैं कि भाई हम आपको देंगे तीन साल बाद एक्साइज प्राइस चालीस रुपए रहेगा पर हम आपको और सस्ता देंगे चालीस रुपए में तो हम आपको देंगे ही देंगे बस तीन साल काम कर लो हम आपको चालीस रुपए में देंगे ही देंगे। बट हम आपको और सस्ता देंगे दस रुपए और डिस्काउंट देंगे हम थर्टी रुपए में देंगे देंगे आपको एक्साइज प्राइस ड्रॉप टू थर्टी इफ एंटीज अर्निंग्स इंक्रीज बाय एटलीस्ट एवरेज ऑफ टेन परसेंट पर ईयर ओवर ईयर हर साल ऑन एन एवरेज दस दस परसेंट का एवरेज मेंटेन करना है आपको अर्निंग का अगर आप ऑन एन एवरेज हर साल टेन टेन परसेंट अर्निंग इंक्रीज कर रहे हो तीन सालों में तो ये शेयर आपको हम चालीस रुपए का नहीं देंगे तीस रुपए का देंगे भाई देखो शेयर तो देंगे कब देंगे तीन साल बाद कितने का देंगे चालीस रुपए में पर हां एक और ऑफर है ऑफर के अंदर ऑफर है क्या ऑफर एक और यही चालीस रुपए के बजाय तीस रुपए लेंगे अगर इन तीन सालों में तुम कंपनी के लिए इतना अच्छा काम कर दो कि कंपनी की एवरेज अर्निंग दस दस परसेंट से इंक्रीज होती रहे समझ में आ रहा है कि नहीं एवरेज एवरेज लिखा है एवरेज वर्ड यूज किया गया है एवरेज ऑफ टेन परसेंट ठीक है तो मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में कितने एक्सरसाइज प्राइस है एक्सरसाइज प्राइस फोर्टी और एक और एक्सरसाइज प्राइस थर्टी ठीक है दो दो एक्सरसाइज प्राइस ऑन दैट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन वैल्यू बताया था ना फेयर वैल्यू क्या होता है आर्म्स ऑफर की फेयर वैल्यू। ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस इज फोर्टी द एंटिटी एस्टिमेट शेयर प्राइस फेयर वैल्यू ऑफ ट्वेल्व मतलब अगर मैं एक्सरसाइज प्राइस फोर्टी रखता हूं तो फेयर वैल्यू इस ऑप्शन की कितनी है सोलह रुपए और अगर एक्सरसाइज प्राइस थर्टी रखता हूं कुछ और है क्या उल्टा हो गया क्या उल्टा हो गया उल्टा हो गया हां उल्टा हो गया क्या बारह रुपए। और यहां पर फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा सिक्सटीन रुपीज सही तो है ना यार अगर मैं तुम्हें चालीस रुपए में बेच रहा हूं तो मेरा नुकसान कम होगा और अगर मैं तुम्हें तीस रुपए में सेल कर रहा हूं तो मेरा नुकसान ज्यादा होगा मेरा नुकसान ज्यादा होगा सीधी बात है बोलो ना बेटा ठीक है चलिए फर्स्ट ईयर का क्या किस्सा हुआ फर्स्ट ईयर का क्या किस्सा हुआ बोलो पहले साल अर्निंग ट्वेल्व परसेंट से इंक्रीज हुआ एस्टिमेटेड है कि आगे भी बढ़ जाएगा तो क्या लगता है कौन सा वाला प्राइस लग रहा है ये वाले पे जाने का लग रहा है क्यों भाई कह रहा है फर्स्ट ईयर में अर्निंग इनक्रीजेस प्राइस ऑफ तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में हम जब एक्सपेंस बनाएंगे तो सोलह रुपए लेंगे कि बारह रुपए लेंगे सोलह रुपए फर्स्ट ईयर जब एक्सपेंस बनाएंगे तो कितना लेंगे सोलह रुपए समझ में आ रहा है कि नहीं सेकेंड ईयर पे आओ अर्निंग अर्निंग 13, तो भी तो भी हम क्या मान के चलेंगे कि यार सही है यार चांसेस लग रहे हैं भाई तीस रुपए में देना पड़ेगा इसका मतलब एक्सपेंस सोलह रुपए में बुक करना पड़ेगा बोलो बेटा पर लास्ट ईयर में शायद कहानी उलट गई लास्ट ईयर में कहानी पूरी बदल गई चाहिए क्या लिखा है लास्ट ईयर में अर्निंग हो गई तीन परसेंट देयर फोर अर्निंग टारगेट वॉज नॉट अचीव अर्निंग टारगेट अचीव नहीं हुआ सही भी है ना कैसे अचीव होगा भाई बारह प्लस तेरह प्लस तीन डिवाइडेड बाई थ्री एवरेज करो नाइन पॉइंट दस परसेंट से कम है एवरेज मिनिमम दस परसेंट बोला गया था ठीक है कोई बात नहीं पर तीन साल तो कंटिन्यू कर लिया उसने तो एग्जीक्यूटिव कंप्लीट द थ्री ईयर सर्विस द सर्विस कंडीशन बिकॉज टारगेट वॉज नॉट अचीव टेन थाउजेंड वेस्टेड फाइनली थर्ड ईयर में एक्सपेंस किस बेसिस पे निकालोगे ट्वेल्व रुपीज के बेसिस पर फोर्टी का ट्वेल्व आया समझ में कि नहीं हाँ कैलकुलेटर पर भी निकाल के बताओ कितना कितना एक्सपेंस हो रहा है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का कितना हो रहा है वेरी गुड कितने नंबर थे अच्छा एम्प्लॉय तो एक ही है ना हाँ दस हजार ऑप्शन है इनटू फेयर वैल्यू सोलह रुपए डिवाइड बाय थ्री सीधा कितना आ रहा है हाँ सेकंड ईयर बोलो सेकेंड ईयर में भी हम सोलह का ही मान के चल रहे थे चांसेस लग रहे हैं कि भाई थर्टी रुपीज में इश्यू करना पड़ेगा डिवाइड बाय थ्री इन टू वेरी गुड माइनस फिफ्टी थ्री 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 तो इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री 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 ठीक है ना नेक्स्ट थर्ड ईयर टेन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाय थ्री इंटू थ्री माइनस एक लाख छ हजार सिक्स 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 वन थ्री 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 फोर एक्सपेंस आ गया सिंपल क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताइए टोटल ईसो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया वन लाख मुझे बताइए इशू की एंट्री क्या होगी इशू की एंट्री बोलो बैंक डेबिट कितने पैसे ले रहे हैं चालीस रुपए की तीस रुपए फाइनल लाइन में क्या डिसाइड हुआ चालीस लेंगे कि तीस लेंगे तो बताओ चालीस इंटू दस हजार शेयर फोर लाख ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट कितना एक बीस हा वन ट्वेंटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना टेन थाउजेंड इंटू क्या था सौ रुपए था कि दस रुपए था क्या था दस रुपए होगा मेरे हिसाब से कुछ हैगा नहीं तो दस रुपए एज्यूम कर रहे हैं हाँ कितना वन लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4 lakh that's it simple clear सेवेंथ नंबर क्वेश्चन हो गया अब अपने पास दो क्वेश्चन बचे हैं सिक्स और एट क्या बात कर रहा है कैसे तो तो बराबर है तो क्या हो गया था ने ने दो मिनट बाद चलो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चाहिए कि नहीं yes, yes, चलो yes, लेते हैं अपन ब्रेक अभी हो रहा है छ चालीस बीस मिनट का ब्रेक yes, <laughs> 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 आपको क्या पता मैडम कि दो जो क्वेश्चन है उसमें टाइम लगेगा बट आई कान डू एनीथिंग चलिए लीजिए एक ब्रेक ब्रेक के बाद अपन क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे चलिए वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स निकालिए क्वेश्चन नंबर सिक्स निकालिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करें शुरू करें पढ़ना एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वन एन एंटरप्राइज ग्रांट्स थ्री हंड्रेड ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स वन थाउजेंड एंप्लॉइज इंप्लॉय वन थाउजेंड है हर एंप्लॉय को तीन सौ तीन सौ ऑप्शन मिलेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ कंप्राइजिंग द वेस्टिंग पीरियड एंड द एक्सरसाइज पीरियड ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड इज सिक्स ईयरस अरे इन छह सालों में कुछ वेस्टिंग पीरियड भी होगा कुछ एक्सरसाइज पीरियड भी होगा टोटल मिला के सिक्स ईयरस है कुछ पोर्शन वेस्टिंग पीरियड का होगा कुछ पोर्शन एक्सरसाइज पीरियड का होगा द अदर रेलिवेंट टर्म्स ऑफ द ग्रांट आर एज फॉलोस वेस्टिंग पीरियड तीन साल का है तो एक्सरसाइज पीरियड तीन साल का है टोटल मिला के सिक्स इयर्स हो गया एक्सपेक्टेड लाइफ फाइव इसका कोई सेंस नहीं है बस ऐसे ही दे रखा है इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि मुझे पता है बाद में जब आप रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चन पढ़ोगे आप बोलोगे सर ये एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होता है कुछ भी मतलब नहीं है इसका सिर्फ इसका ये मतलब है एंटिटी को लगता है कि दिए तो हमने छह साल है पर कहानी पूरी खत्म हो जाएगी पांच साल में मतलब थ्री का वेस्टिंग पीरियड तो पूरा चलेगा जो अगले थ्री का हम सोचने का देते हैं ना कि शेयर्स अवेल करने की नहीं दो साल में ही सब हो जाएगा तो इसका कोई इतना कोई रेलेवेंस नहीं है नेक्स्ट पे आते हैं। प्राइस पचास रुपए वो तो हमें पता है क्या होता है मार्केट प्राइस पचास रुपए भाई साहब मतलब कोई भी कंसेशन नहीं लग रहा है एक्स ये लाइन क्या है ये ये क्या है एक्सपेक्टेड फोर फीचर्स पर ईयर मतलब क्या ये नहीं 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 वो वाला फोर फीचर नहीं है ये लैब्स अरे लगता है कि हर साल तीन तीन परसेंट इंप्लॉय चले जाएंगे तो तीन परसेंट इंप्लॉई चले जाएंगे तो तीन परसेंट इंप्लॉइज के जो ऑप्शंस होंगे वो लैप्स हो जाएंगे मतलब अनवेस्टेड कैंसिल हो जाएंगे तो लगता है कि हर साल कितने कितने इंप्लॉइज जाएंगे तीन तीन परसेंट जाएंगे बेटा पर ईयर लिखा है ठीक है ना हर साल थ्री थ्री परसेंट इंप्लॉइज चले जाएंगे क्लियर है कि नहीं ऑल the fair value of the options calculated using an option pricing model is rupees 15 per option kul mila ke isti hai ki option ki fair value kitni hai 15 rupees sir ye word kya hai option pricing model ये एक formula है जिस formula के basis पर fair value निकाली जाती है ये आपके syllabus का part नहीं है ये आपके syllabus का part नहीं है चलो बेटा ये वाला हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक क्वेश्चन हमने कर लिया है ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा डिस्कस हो चुका है अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये आधा अभी, अभी ये चल रहा है ठीक है हाँ आगे एक्चुअल फॉर फीचर्स ड्यूरिंग द ईयर वन बेटा ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन उलझाने वाला है ये तीन परसेंट क्या है मैंने हाईलाइट क्या करवाया हर साल कितने कितने लोग जाएंगे ऐसा लगता है अब अब फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है पंद्रह रुपए ठीक है अब से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक तो सब मस्ती मजाक चल रही थी अभी इंपॉर्टेंट है क्या लिखा है पढ़ो सब लोग पढ़ो क्या लिखा है एक्चुअल फोर फीचर मतलब कितने लोग गए सर वर्ड फोर फीचर क्यों है फोर फीचर मतलब जाने से ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा ना इसीलिए एक्चुअल फोर फीचर ड्यूरिंग ईयर वन आर पहले साल पांच परसेंट लोग चले गए हमने कितना एक्सपेक्ट किया था उसके बाद भी देखो क्या लिखा है एक्चुअल फोर फीचर ड्यूरिंग ईयर वन आर फाइव परसेंट एंड एट द एंड ऑफ ईयर वन इंटरप्राइज ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ इन इंटरप्राइज स्टिल क्या स्टिल स्टिल एक्सपेक्ट द एक्चुअल वुड एवरेज थ्री परसेंट पर ईयर ओवर द थ्री ईयर वेस्टिंग पीरियड इसका लाइन का मतलब क्या है मैं आपको सच्ची बता रहा हूं ये क्वेश्चन पढ़ के कई सारे स्टूडेंट उलझेते उलझे उल्जेत, उलझते हैं और उलझेंगे आप भी पूरी तरीके से इंटरप्रेट कर पाने में दिक्कत होगी तो ये कॉन्सेंट्रेशन बना रहे है इस क्वेश्चन पर ये कह रहा है शुरू शुरू में कि हमें लगता है कि हर साल थ्री परसेंट थ्री परसेंट थ्री परसेंट जाएंगे फिर कह रहा है कि पहले साल पांच परसेंट चले गए पर पहले साल भले पांच परसेंट चले गए पर अभी भी पता है मुझे कि दूसरे तीसरे साल मिलाकर जितने भी जाएंगे दूसरे तीसरे साल पे लाकर मैं जब ओवरऑल एवरेज निकालूंगा ना वो तीन परसेंट का ही रहेगा अब तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है ये लैंग्वेज हमने पहले कभी किसी क्वेश्चन में नहीं देखी जो मैंने हाईलाइट किया है पढ़ो ना बेटा क्या दिक्कत है अगर आज की क्लास में हमारा ये वाला ही क्वेश्चन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं तो मैं कोई जल्दबाजी वाले सिस्टम में नहीं हूं पर मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप जब क्लास से निकले ये क्लास खत्म हो जाए तो आपको लगे कि यार ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्योंकि इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम रहने वाला है इस क्वेश्चन में पढ़िए और आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हो मुझे आपका थिंकिंग भी जानना है आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हो फर्स्ट ईयर में फाइव परसेंट गए ऐसा वो कह रहा है ईच ईयर थ्री ही आएगा ऐसा वो कह रहा है आपने बिल्कुल सही किया एक्सप्लेन आप इसको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करिए फिर से करना पड़ेगा टोटल सेम मतलब क्या सेम ही जाएंगे भले पहले साल पांच चले गए आगे दो साल जो भी जाएंगे ओवरऑल एवरेज तीन परसेंट ही रहेगा हर साल का सुन रहे हो हाँ इधर ही मतलब मेंटली इधर ही हो ना समझ में आ रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम अब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं हो सकता है तुम उलझ भी जाओ हो सकता है ज्यादा समझ में आए दोनों चीजें हो सकती है रिस्क ले रहा हूं पहले साल पांच गए हैं अगले दो साल में चार जाएंगे ओवरऑल नौ हो जाएगा नाइन डिवाइड बाय थ्री ऑन एन एवरेज तीन ही आएगा नहीं आएगा। पहले साल कितने गए और मुझे ओवरऑल एवरेज क्या चाहिए तीन का अब तीन का एवरेज कैसे निकलेगा तीन साल में टोटल मिला के नौ जाने चाहिए ना अरे क्या चल रहा है तुम लोग करें क्या हुआ डिस्टर्बेंस है फिर पहले साल कितने गए पांच और ओवरऑल तो एवरेज हर साल का कितना चाहिए तीन. तो बाकी दो साल में कितने होने चाहिए चार क्योंकि पांच प्लस चार कितने हुए? नौ. नौ थ्री क्या होता है थ्री हाँ दो साल में अगले चार परसेंट जाने चाहिए ऐसा लग रहा है ना मतलब बोलो बेटा ठीक है आगे अगर ना लिखें, आगे नहीं पढ़ना है मुझे आगे अगर ना पढूं, तो मुझे ये बताओ आप जब आप जब यहां पर फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकालोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करोगे थाउजेंड एम्प्लॉइज अरे मैडम कुछ परसेंटेज कितना क्या इंटू थ्री हंड्रेड डायरेक्ट करेंगे क्या माइनस फाइव हाँ माइनस फाइव परसेंट हाँ ठीक है और फिर माइनस फोर परसेंट क्या होना चाहिए सर पूरा तो नो हो रहा है ना अपनी मर्जी कुछ भी थोड़ी चलाएंगे बेटा यार कि एक काम करो आज मेरा मन कर रहा है कि पहले थ्री करें फिर करें क्योंकि आज मंडे है फिर कल तो आप बोलोगे सर नहीं 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 सर मेरे तो आज ट्यूसडे हो गया सर मैं कुछ और बोल रही हूँ उन्होंने बोला है ना हाँ तो मैं आपसे आपका इंटरप्रिटेशन पूछ रहा हूँ आप मुझे करके बताओ मैं मेरे पास आंसर है आप तो बताओ पर ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कर दें

तो आपका ये कहना है कि ये कैलकुलेशन सही है जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो ये कैलकुलेशन इसका मतलब सही हुई ना तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा मैं सिर्फ जस्ट आप आप लोगों से पूछना चाह रहा, रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं अब इसमें आपको एक और चीज का हिंट दे रहा हूं थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया था माइनस टू माइनस टू कुछ याद आ रहा है एक एक करके वन बाय वन हर ईयर का देख रहे थे तो तुम यहां माइनस फाइव तो किया पर अगले साल डायरेक्ट चार कैसे कर लिया क्या करूं माइनस माइनस थ्री परसेंट आएगा अभी भी ये पांच और तीन आठ होता है फिर माइनस वन आएगा पर ईयर थ्री परसेंट पर आंसर है कि मैं दू अब बोलू मैं फंडा सीधा सीधा क्लियर है 1, है पहले साल कितने गए पहले साल कितने गए सभी लोग आंसर करेंगे पांच परसेंट मुझे क्या लेना मुझे ओवरऑल पता है हर साल तीन तीन जाने चाहिए पहले साल कितने गए पांच अरे उससे मुझे क्या लेने देना ना? हर साल मेरा एस्टिमेटेड क्या है हर साल मेरा एस्टिमेटेड क्या है तीन तीन परसेंट जाएंगे अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि तीन तीन साल जाएंगे पहले साल भले पांच चले गए आई अंडरस्टैंड पहले साल भले पांच चले गए अगले चार, अगले दो सालों में चार जाएंगे कुल मिला के 9 होगा, डिवाइड थ्री कितना होता है, 3, 3. मेरा अनुमान है कि हर साल ऑन एन एवरेज तीन तीन ही जाएंगे तो मैं इसको कैसे करूंगा वन थाउजेंड माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री करेंगे ही नहीं इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एक्चुअल फिगर एंटिटी कह रही है कि हमारा एस भले एक्चुअल साला नौ पहले पहले साल ही चला जाए पहले साल एक परसेंट जाए पहले साल नौ जाए पहले साल दो परसेंट जाए उससे मतलब ऑन एन एवरेज हमारा कितना जाएगा ऑन एन एवरेज हमारा कितना तीन परसेंट तो हम आपसे आप वर्किंग कर रहे हैं सर इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है पिछले में एक्चुअल फिगर पंद्रह चले गए बाकी का दो दो परसेंट जाएगा वहां लैंग्वेज पढ़ लो वहां की लैंग्वेज अलग थी नहीं करेंगे माइनस नहीं करेंगे फाइव परसेंट माइनस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो 5 इन थ्री 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 में कवर हो गया ना अमाउंट सेम नहीं आएगा मैडम अमाउंट सेम नहीं आएगा अगर आप ये करोगे तो इससे अमाउंट अलग आएगा पर एंटिटी करेगी ये वाला हम नहीं करना चाह रहे अगर ये करना ही होता तो क्वेश्चन में लैंग्वेज लैंग्वेज क्या होती होती क्वेश्चन में जो नहीं है आप मत पढ़ो क्वेश्चन ड्यूरिंग एंड नाउ एंटिटीटिंग ऐसा बोल ही नहीं रहा जबकि मैंने हाईलाइट क्या किया है क्या बोल रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के एंड में भले पांच जा चुके हैं पर फर्स्ट ईयर के एंड में द एंटरप्राइज स्टिल अभी भी इंट्री को क्या लगता है एक्चुअल फॉर विद एवरेज थ्री परसेंट पर ईयर ओवर द थ्री ईयर ओवर द थ्री ईयर यह हाईलाइटेड पॉइंट है ओवर द थ्री ईयर वेस्टिंग पीरियड मतलब ओवरऑल तीन सालों में तीन तीन दिन का ही एवरेज होना चाहिए तो हम लोग इस वर्किंग को नहीं लेंगे हाँ. हाँ बोलो ओवर द थ्री ईयर मतलब एक साल भले हो गया पर अभी भी उस साल का मिला के पिछले साल का मिला के और अगले दो साल मिला के ओवरऑल तीन तीन परसेंट ही जाएगा समझ आया कि नहीं हाँ मैं वही वही इसलिए मैं ही कंपेयर करवा रहा हूं ना अभी तक हमने क्या किया कि यार एक्चुअल माइनस करो और बाकी का रिमेनिंग निकालो क्योंकि तो लैंग्वेज ऐसी थी क्वेश्चन की आप पढ़ो ना जाके यार उस क्वेश्चन को refer करो ना जाके मैं कौन सा को जल्दी में हूं आप उस क्वेश्चन को जाके रेफर करो क्वेश्चन नंबर आपके सामने करो मैं रेफर करवाता हूं अगर आप नहीं कर सकते हो तो क्वेश्चन नंबर फाइव की लैंग्वेज देखो सामने एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर थ्री टू परसेंट इसमें कहा लिखा है स्टिल एक्सपेक्ट चलो छोड़ो इसमें कहा लिखा है ओवर द थ्री ईयर इसमें वर्ड लिखा है क्या थ्री ईयर अगर इसमें तो हम वर्ड हम हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसमें क्या लैंग्वेज है ओवर थ्री ईयर मतलब वो रिट्रोस्पेक्टिव बोल रहा है कि 30 जाएंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं अलग अलग लैंग्वेज का फर्क पड़ रहा है समझा कि नहीं तो बताओ कितना आएगा ये आ गया इन टू क्या होगा 300 हंड्रेड ऑप्शन पर एम्प्लॉय इन टू इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो आएगा फेयर वैल्यू दिया हुआ है पंद्रह डिवाइड बाय थ्री बोला है क्या हाँ थ्री है वेस्टिंग पीरियड कितना आया एक सेकंड पहले कंप्लीट कर, 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 कर ले हां कितना आया हाँ तो यार तुम लोग ना अपनी जेब से भी तो नहीं निकालते हो ना पॉइंट मैंने एम्प्लॉइज का नहीं लेने का एम्प्लॉइज जो यहां पर आ, तर, आ रहे हैं वन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री करके वो पॉइंट एम्प्लॉयज का नहीं लेने का हाँ क्या बोल रहे हो क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दिया हुआ है ना तो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू से सॉल्व करना है हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दिया ही नहीं होता तो हम क्वेश्चन किससे सॉल्व करते intrinsic से इस क्वेश्चन में इंट्रेंसिक वैल्यू भले जीरो है पर एंटिटी को स्टिल लगता है कि पंद्रह रुपये का घाटा है क्यों क्योंकि आज थोड़ी शेयर दे रहे हैं शेयर तो देंगे तीन साल बाद हो तीन साल में मार्केट वैल्यू बदलेगी तो सही सेकेंड ईयर पढ़ के मुझे एस्टिमेट एक्स बताओ आपका क्या अनुमान है सेकेंड ईयर पढ़ो हमने एस्टिमेशन बुक किया गलत नहीं क्या हमने एक्यूरेट एक्सपेंस बुक किया नहीं क्या हमने गलत एक्सपेंस बुक किया नहीं ये दोनों फर, दोनों स्टेटमेंट में फर्क है आप ये सर हमने एक्यूरेट एक्सपेंस बुक किया क्या नहीं हमने गलत नहीं किया पर हमने एक्यूरेट भी, भी बुक नहीं किया क्योंकि हमारा एस्टिमेशन ये कहता है कि इन द फर्स्ट ईयर भले पांच परसेंट चले गए ओवरऑल तो तीन तीन जाएंगे सो व्हाट वी आर डूइंग वी आर जस्ट मेकिंग एस्टिमेशन बेस्ड ऑन थ्री परसेंट वी आर नॉट कंसिडरिंग द एक्चुअल फिगर वी विल कंसिडर द एक्चुअल फिगर एट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर थर्ड ईयर के एंड में हमारा एक्चुअल मालूम पड़ जाएगा तो ये दिस इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंस बेस्ड ऑन थ्री परसेंट वर्किंग नो दैट दिस इज नॉट एज पर फाइव परसेंट करते तो भी एस्टिमेट होता क्योंकि अगले बार में चार परसेंट कैसे जाएगा वो कैसे बताओ अच्छा चलो इस पे इस पे इस थोड़ा चर्चा करते हैं कि फर्स्ट ईयर फाइव परसेंट गए हम एक काम करते हैं फर्स्ट ईयर में हम माइनस फाइव परसेंट करते हैं और फिर उसके बाद अब यहां तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कैसे करूं अब यहां मैं कैसे करूं ये बच्ची बोल रही थी कि सर थ्री करो और वन करो कोई बोलेगा सर टू और टू करो आ? कोई बोलेगा फोर ही डायरेक्ट कर लो अरे ये भी तो एस्टीमेशन ही है ना क्या क्या लोगे आप सोचो क्या क्या लोगे इसीलिए ओवर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड में तो यही बेस्ट है समझ में आ रहा है कि नहीं क्योंकि इन सब में आपका आंसर अलग अलग आने वाला है इन सब में आपका आंसर अलग अलग आने वाला है समझ रहा कि नहीं तो इसलिए कुछ भी गलत नहीं है पर कुछ भी एक्यूरेट नहीं है हमारा सिर्फ एस्टिमेशन है तो इन सब में बेस्ट एस्टिमेशन क्या है बेस्ट एस्टिमेशन ऊपर वाली वर्किंग अवर आंसर इज एज पर बेस्ट अवेलेबल एस्टिमेट चलिए बोलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर हाउ एवर द मैनेजमेंट डिसाइड दैट रेट ऑफ फॉर फ्यूचर लाइकली टू कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर रेट फॉर द एंटायर अवॉर्ड इज सिक्स परसेंट पर ईयर बोलिए कैसे सॉल्व करें बस पर ईयर बोल रहा है वो परसेंट हो चुका है ऐसा नहीं बोल रहा है लैंग्वेज उसने पूरा एस्टीमेट ही बदल दिया अगर मैं टाइमलाइन बनाऊ अगर मैं टाइमलाइन बनाऊ तो ग्रांड डेट पर मैं खड़ा हूं और मेरा एस्टिमेट क्या था नम फर्स्ट ईयर के एंड पे फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़ा हूं स्टिल परसेंट पर एनम ही कह रहा था मैं भले पांच परसेंट जा चुके थे अरे बोलो यार बट जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में आया अब मैं सेकेंड ईयर में खड़ा हूं अब मैं कह रहा हूं मेरा एस्टीमेट क्या है पर एनम फॉर फॉर वर्ड देखो इंटायरा वर्ड लिखा है कहीं इंटायर मतलब पूरे तीन साल का छह छह परसेंट पूरे तीन साल का छ परसेंट हो गया इंटायर अवार्ड मतलब ये लैंग्वेज वही है ओवर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड उसने आपको सेकेंड ईयर में एक्चुअल कितने लोग गए दिए ही नहीं है सेकेंड ईयर में कितने लोग एक्चुअल गए पता ही नहीं है इतना समझ में आ रहा है सिक्स परसेंट परिणाम लिखा है मतलब सेकेंड ईयर में बहुत ह्यूज डाउनफॉल हुआ होगा एंटिटी छह परसेंट पे आ रही है पर पे इसका मतलब में बहुत सारे लोग गए होंगे ह्यूज डाउनफॉल हुआ होगा और entity नहीं यार एंट्री परसेंट सही नहीं है अब ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा फॉर द क्या लिख रहा है अगर इस क्वेश्चन में बोलता फॉर द रिमेनिंग पूरी इंटरप्रिटेशन बदल जाती बताइए फॉर द इंटायर लिखना और फॉर द रिमेनिंग ईयर लिखना क्या हो जाता है बोलो इंटायर मतलब अच्छा इंटायर केस में आप वर्किंग क्या करोगे वन थाउजेंड माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स ऐसा हो जाएगा और अगर फॉर द रिमेनिंग को बोलता तो 1000 में से पांच परसेंट माइनस करते फिर माइनस सिक्स माइनस सिक्स करते ना रिमेनिंग में तो नहीं आ रहा सर में अब मेरे को पता है? डर किस चीज का लग रहा है मेरे को डर ये लग रहा है कि अभी तो मैंने तुम लोगों को समझा दिया एग्जाम से जस्ट पहले जब तुम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे होगे और तुम्हारे पास प्रॉपर नोट नहीं होगा उस चीज का तो मेरे को लग रहा है कि डर यार सर ये सर question सर तो हम बोली नहीं पता नहीं क्या सिखाया था पर नो नीड टू वरी ये लेक्चर हमेशा यूट्यूब पे रहने वाला है बस वही है ना कि टाइम किसके पास है उस टाइम पे अच्छा याद कौन दिलाएगा कि लेक्चर यूट्यूब पे <laughs> बेहतर तो है कि अपनी कॉपी में अपन खुद ही करो यार ठीक है? यूट्यूब है पे जाऊंगा पागल हूं यूट्यूब पे कौन से स्टूडेंट जाते हैं जिन्होंने पूरे अपने नौ महीने छह महीने वेस्ट कर चुके होते हैं और यूट्यूब पे ढूंढते क्या, क्या करूं क्या करूं क्या करूं हाँ तो आपको तो सिर्फ आपका काम क्या है आपको प्रॉपर नोटिंग करना है कि फर्स्ट ईयर एंड में कंपनी का इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि ओवर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड तीन, तीन 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 जाएंगे मैं हिंदी में लिखवा लू ताकि ज्यादा समझ में आएगा आपको लिखो माइनस सिक्स माइनस सिक्स एक काम करते हैं क्वेश्चन पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर लिखते हैं है ना नेक्स्ट इट इज आल्सो अज्यूम्ड दैट 840 एम्प्लॉइज हैव एक्चुअली कंप्लीट थर्ड ईयर तो बहुत ही इजी हो गया थर्ड ईयर में क्या करोगे डायरेक्ट 840 के हिसाब से निकाल लोगे हाँ एक काम करना 1000 840 करो 160 डिवाइड बाय 1000 करो 0.16 वन सिक्स मतलब 16 परसेंट ओवरऑल गए लोग मतलब जहां पहले साल तुम बोल रहे थे कि 9 परसेंट जाएंगे अब इंटरप्रिटेशन करो ना जहां पहले साल तुम बोल रहे थे कि 9 परसेंट जाएंगे ना तीन 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 जहां पहले साल पहले साल के बिगनिंग में तुम क्या अपन क्या बोल रहे थे कि तीन परसेंट जाएंगे ऑन एन एवरेज तो तीन तीन तीन, तीन कितना होता है नाइन अभी कितने गए ओवरऑल सोलह चलो दूसरा छोड़ो सेकेंड ईयर में आके जहां हम बोल रहे थे कि छह छह अठारह जाएंगे वो भी नहीं गए अल्टीमेटली कितने गए सोलह सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन करवा रहा हूं और कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं चलिए अब आपको कुछ लिखना है क्या हाँ हा? मैं वर्किंग के साथ साथ लिखवा दूं ताकि वर्किंग के साइड में लिखोगे तो वो याद रहेगा ना मैं ऐसे ही नोट लिखवा दूंगा वर्किंग एंड में होगी तो फिर जाओगे ये वर्किंग क्यों ऐसी की गई उसको कनेक्ट कर, कर, करके बताएंगे ठीक है फर्स्ट ईयर इसमें लिखेंगे ऑल दो Five percent actual gone, but entity is still expecting three percent per annum forfeit over the entire. Wasting period. Here it means here over the entire wasting period means. टेक थ्री परसेंट पर एन एम फॉर ऑल थ्री ईयर्स अब इससे ज्यादा मैं क्या लिखवा सकता हूं किसके नीचे इसकी वर्किंग कर दो वन थाउजेंड माइनस थ्री परसेंट माइनस थ्री परसेंट माइनस थ्री परसेंट अच्छा इसमें ऐसा लिख दो और अगर ठीक करना है अच्छे से लिखना है तो करेक्ट वर्किंग करेक्ट वर्किंग रॉन्ग वर्किंग लिख दो ताकि उस टाइम पे आपका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग वर्किंग के ऊपर जाएगा तो आपको दिख जाएगा ये रॉन्ग है तो दिस वन इंटू थ्री इंटू फिफ्टीन डिवाइडेड बाय थ्री इंटू वन रॉन्ग वर्किंग क्या लिखोगे रॉन्ग वर्किंग थाउजेंड माइनस फाइव परसेंट माइनस फोर परसेंट बस मैं इसके अब ज़्यादा अब क्या ही डिवाइड वाइड आपको ओवरऑल रॉन्ग है तो समझ में आ जाएगा ना हाँ कितना हुआ यहां पर थर्टीन सिक्सटी नाइन फर्स्ट ईयर हो गया सेकंड ईयर सेकेंड ईयर ड्यूरिंग द सेकेंड इजमेंट डिसाइडर लाइकली टू कंटिन्यू टू इंक्रीज लाइकली टू कंटिन्यू इंक्रीज मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेक्टेड फॉरफ्यूचर रेट फॉर द इंटायर अवॉर्ड इंटायर अवॉर्ड इज चेंज टू सिक्स मतलब जो पहले तीन था छो बोलेंगे In second year, because of increase in forfeit forfeiture Company is revising its estimate from three percent per annum to 6% per annum for entire award. that is over three years' wasting period. Mm -hmm. samja. Hmm? हम कभी पिछले साल में चेंज करते ही नहीं है रिट्रोस्पेक्टिव के देते ही नहीं है फर्स्ट फर्स्ट में मैंने बताया था प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं हमेशा वन थाउजेंड माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स वही तो है आप कैसे सोच रहे हो पहले मुझे बताओ आपके मन में क्या चल रहा है हाँ बोलो ना करो ना लेस करवाओ ना करवाओ करवाओ आप अपना बताओ मैंने तो तीन सौ का ले लिया एम्प्लॉय लेस करो चलो फर्स्ट ईयर में कितने आप ये बोल रहे हो क्या ये बोल रहे हो तो इसके पे पांच प्लस छह प्लस टोटल कितना हुआ सत्रह सत्रह डिवाइड बाय तीन ऑन एन एवरेज कितना हुआ और एंटिटी क्या बोल रही है ऑन एन एवरेज हमारा छह परसेंट होना चाहिए तो सर ये वाली वर्किंग कब सही होती सब लोग बोलेंगे जवाब दीजिए ये वाली वर्किंग कब सही होती जब वो ओवर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड वर्ड यूज नहीं करता इंटायर वर्ड यूज नहीं करता उधर फॉर द रिमेनिंग पीरियड सिक्स परसेंट परिणाम फॉर द रिमेनिंग पीरियड तो इसको कर दो दिस इज रॉन्ग ये करेक्ट ठीक है इसमें इसमें हाँ हाँ दिस वर्किंग विल बी वैलिड इफ इन क्वेश्चन इट सेज सिक्स परसेंट पर एन एम फॉर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड अब तो ठीक है करना ही पड़ेगा यार गलत है <laughs> यस अब थर्ड ईयर में मत बोलना सर लिखवा दो थर्ड ईयर में क्या लिखवाऊ मैं आपको थर्ड ईयर तो पूरा पूरा एक्चुअल बोल रहा है कितना बोल रहा है जा रहा है थर्ड ईयर बस डिवाइड बाय थ्री इंटू तो थ्री नहीं भी करेंगे तो चलेगा ना ये सेकेंड ईयर में ये क्या आ रहा था मऊ हाँ अब ये मत बोलना सर आपका आंसर गलत है इधर कुछ और आ रहा है दो रुपए कैलकुलेट ऑप्शन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर जर्नल एंट्री नहीं बोल रहा इसलिए हम बात नहीं कर रहे ऑप्शन एक्सपेंस बोल रहा है बस ठीक है एग्जाम एट्थ तो हम कर चुके हैं तुम लोग बाहर थे हमने कर लिया कंप्लीट अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पढ़ के बताओ हो जाएगा कि नहीं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पढ़ के बताओ जी बोलिए मैं ही पढ़ू मतलब एट द बिगनिंग ऑफ ईयर द एंटरप्राइज ग्रांट्स हंड्रेड स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स ईफ एप्प्लाइज कंडीशन ऑफ ऑन एम्प्लॉय रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट फॉर द एंटरप्राइज ड्यूरिंग द

सेम टू सेम वो लग रहा है यार अर्निंग ऑफ द इंटरप्राइज ऑफ फोर्टीन परसेंट पहले साल की कंडीशन फुलफिल हुई क्या एटीन था एंड थर्टी इंप्लाइज एट लेफ्ट ठीक है द एक्सपेक्टेड दैट विल कंटिन्यू एट अ सिमिलर रेट फर्स्ट एंड में बोल रहा है कि हमें लगता है

जब तुम कैलकुलेट करोगे ना फर्स्ट ईयर का क्या लगता है जब तो तुम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे हमें लगता है कि ऑप्शन किसके कितने लोग हो जाएगा डायरेक्ट आपको निकाल के दे दिया चार सौ चालीस आमतौर पर हम क्या गलती करते हैं कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो बहुत कुछ चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता क्या लिखा है आप ध्यान से पढ़िए इस चीज इस चीज को अब ये फर्स्ट ईयर की ही बात कर रहा है ये सब कुछ अभी तक फर्स्ट ईयर में ही चल रहा है यह पूरा पैराग्राफ फर्स्ट ईयर का है पढ़िए इस पूरे पैराग्राफ को बोल रहा है बाय द एंड एंड ऑफ ईयर ईयर जब तक हुआ, एंटिटी की अर्निंग चौदह परसेंट हो चुकी थी तीस लोग जा चुके थे तो चौदह परसेंट हो चुकी थी कंडीशन था एटीन तो पहला पहला कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ पर एंटिटी को एक्सपेक्टेड था कि अर्निंग जो चौदह हुआ है तो सेकेंड ईयर भी चौदह होगा और अगर चौदह होगा सेकेंड ईयर की कंडीशन कितनी थी तेरह तो चौदह चौदह डिवाइड बाय टू करो तो चौदह आता है ना बोले तो लगता था कि हाँ सेकेंड ईयर तक फुलफिल कर लेंगे और एंटिटी को ऐसा लगता है कि इंप्लॉय भी तीस और जाएंगे सेकेंड ईयर में तो ऑन एन एवरेज चार सौ के पास ये ऑप्शन जाएगा ये बाय द एंड ऑफ ईयर वन की कहानी है तो बाय द एंड ऑफ ईयर वन चार सौ चालीस है ओवरऑल समझ में आ रहा है कि नहीं इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन कितना इनटू फाइव हंड्रेड है नहीं 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 फिर से चार सौ चालीस 100 है हंड्रेड ऑप्शन है फेयर वैल्यू थर्टी डिवाइड बाय क्या करेंगे टू दैट्स इट ठीक है सेकेंड ईयर का देखना सेकेंड ईयर में बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पढ़िए क्या इंटरप्रिटेशन आता है सामने सेकेंड ईयर का एक, पढ़ो पहले ये पूरा सेकेंड ईयर का पैराग्राफ है बाय द एंड ऑफ ईयर टू अर्निंग ऑफ द इंटरप्राइज वॉज ओनली टेन तो उधर चौदह चौदह प्लस दस चौबीस चौबीस डिवाइड बाई टू बारह जबकि कंडीशन कहता था तेरा मतलब सेकेंड का कंडीशन फुलफिल अठाईस लोग चले गए ये भी ठीक है इंटरप्राइज फर्दर पच्चीस एंड अर्निंग विल बी एटलीस्ट सिक्स परसेंट अगले साल की अर्निंग कितनी होगी छ होगी देखते हैं. आ, पहले साल कितनी हुई चौदह दूसरा साल कितनी हुई दूसरे साल दस दूसरे साल दस हुई ना तीसरे साल होगी छ कितना हो रहा है टोटल थर्टी थर्टी थ्री टेन और कंडीशन क्या थी कंडीशन टेन का ही था तो लगता है सेकंड ईयर में लगता है कि थर्ड ईयर की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो बताओ सेकंड ईयर की वर्किंग क्या करोगे फोर फोर्टी फोर्टी शुरू से लो शुरू से ओरिजिनल कितने थे फाइव हंड्रेड पहले साल कितने गए दूसरे साल कितने गए ट्वेंटी एट तीसरे साल कितने जाएंगे ट्वेंटी फाइव सत्रह टू हंड्रेड इन थर्टी डिवाइड बाय थ्री थ्री आएगा पूछ रहे हो आप अभी भी नहीं स्टिल यू आर आस्किंग मी आर यू टेल मी कितना आएगा नहीं ऑन अ सीरियस नोट यू शुड अंडरस्टैंड ना सेकेंड ईयर में खड़े हैं सेकेंड ईयर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो क्या आएगा डिवाइड बाय टू तो आएगा नहीं ना बेटा फोर तो हो ही नहीं सकता है इस क्वेश्चन में तो क्या बचा थ्री आएगा ना डिवाइड बाई थ्री इंटू टू माइनस सिक्स सिक्सटी ये वर्किंग अगर नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिए आई, किधर चलिए थर्ड ईयर तो आपका सिंपल है पढ़ो थर्ड ईयर क्या है ट्वेंटी थ्री चले गए और कितना कमाया कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आई थिंक हो रही है कि नहीं हो रही है सिंपल है बन जाएगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आगे का नहीं कर रहा हूँ ठीक है आपको खुद ही सॉल्व करना है आगे का मतलब थर्ड ईयर का वर्किंग फिर जो भी आपको वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया आगे बहुत जो आगे जाओगे हो गया? हो गया? कर लोगे कि नहीं अरे तुम लोग होमवर्क क्वेश्चन को ऐसा तो नहीं कि मैंने जैसे आधा ये करवाया बाकी आधा हाँ हो तो क्या ना आप घर जाके क्या करें फिर कर मतलब उसको कॉपी में लिखोगे कि नहीं लिखोगे नो सर उसने बोला नो सर बस अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है दैट इज ग्रेडेड वेस्टिंग एक ही चीज बची हुई है दैट इज ग्रेडेड वेस्टिंग क्या लगता है अभी कंटिन्यू करें हाई ईसॉप e में हमारा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है ग्रेडेड वेस्टिंग का और मुझे आपको कुछ थ्योरी पढ़ाना है कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं पर आई एम श्योर कि कल की क्लास में हम ब्रेक तक कवर अप कर लेंगे ब्रेक से पहले ही मतलब ब्रेक शायद जल्दी देना पड़ेगा और उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे नया टॉपिक विल बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर ए एस फोर तो आपको अपनी ट्रंप बुक साथ में रखनी है आपको अपनी ट्रंप की जो किताब है वो साथ में रखनी है आई स्टार्ट विथ एएस फोर देखिए एक चीज बोलूंगा कि होमवर्क क्वेश्चंस को करते जाओगे तो यही तुम्हारी टेस्ट की प्रैक्टिस है एक तरीके से ठीक है तो चलिए हम मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम पर अरे तुम लोगों का क्या अभी कैसा चल रहा है इसका क्या सवा चार है कि साढ़े चार है यार मैं रोज लगता हूं क्या चेंज होने वाला है किसने बोला नहीं वो टाइमिंग तो फिर अगर उनका चेंज हुआ तो हम सबका ही चेंज हुआ वो बात तो चल रही है हम लोगों में आपस में बट अभी उस पर बात ना ही करेंगे तो चलेगा तो इम्पोर्टेंट इसकी अभी तो अभी तो फिलहाल यही टाइम है है ना तो ठीक है कल का क्लास फिर साढ़े चार बजे ही होगा ठीक है ना कल का क्लास साढ़े चार ही होगा हाँ तो ठीक है ना मतलब साढ़े चार बजे होगा मैं आ जाऊंगा बच्चे नहीं आए तो मैं वेट कर लूंगा दो बच्चे भी आ गए तो शुरू कर दूंगा चलिए थैंक यू सो मच अभी के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर जय माता दी अल्लाह हाफिज़